ओके डियस फ्रेंड्स आज सैटरडे है वंस अगेन हम एक दूसरे के रूबरू हैं आज का आपका लेक्चर प्रेजेंट एंड द पास्ट कॉम्युनिकेशन सीरीज का है एक्चुअली मे बी बिट सरप्राइज बिकॉज अर्लियर आई हैव गिवन टू यू द प्रॉमिस कि नाउ आई विल ब्रिंग सर्टेन लेक्चर्स ऑन क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज लेकिन करूं तो क्या करूं कुछ टॉपिक्स ही करंट कैसे आ जाते हैं जो मुझे इतिहास की ओर पलटने के लिए विवश करते हैं वैसे ही एक घटना है फर्स्ट जुलाई के दिन घटित हुई है फर्स्ट जुलाई 1921 जब पूरे पेपर्स मैगजीन जर्नल्स एक न्यूज से भरे पड़े थे और वह था चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सेंटेंडी डे का सेलिब्रेशन पियानामन स्क्वायर चीनी ताकत से बिल्कुल ही आच्छादित हुआ पड़ा था और जी जिनपिंग शेर की तरह घोषणा कर रहे थे दुनिया वालों के समक्ष उसके बाद पेपर्स और मैगजीन्स उस घटना के सेलेब्रेशन से भरे पड़े थे मेरे नई पीढ़ी के बच्चों ने भी उसे एंजॉय किया उन्हें लगा कुछ ऐसा घटित हुआ है जो इस 2021 में जो सेलिब्रेशन हुआ है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वो शताब्दी समारोह है इसका मतलब है 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई लेकिन जैसा कि मैंने अपने प्रिय व्यूअर से कहना चाहूंगा कि मेरा मिशन इसमें यह रहा है कि घटनाक्रम का जब हम मूल्यांकन करें तो उसे पहले हमारी खिड़की खुल जानी चाहिए और आंखों के सामने से घूंघट हट जाना चाहिए क्योंकि किसी चीज का हम करेंट में देखते हैं लेकिन उस करेंट का पास्ट अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारा ज्ञान अधूरा है कई बच्चों को गलत होती है कि शायद हम सिलेबस की चीज कर रहे लेकिन सिलेबस की चीज से ये और भी बड़ी चीज है क्योंकि इसमें मैं आपको सोचना और देखना सिखा रहा या मैं क्लास में भी करता हूं लेकिन वर्टिकल के साथ ऑरिजेंटल लेता हूं यहां मेरी मजबूरी है कि आपको ऑरिजेंटली ले चलेंगे चलिए यात्रा करते हैं यह यात्रा हमारी एक शताब्दी की नहीं होगी यह या यात्रा हमारी लगभग पांच शताब्दियों की होगी पांच शताब्दी नहीं सॉरी पंद्रह सौ वर्षों की होगी और आप यह देखेंगे कि आज का चीन आज जो घोषणा घोषणा हुई है शी जिनपिंग की एक्चुअली इट इज हैविंग सम हिस्टोरिकल रूट एंड व्हाट अबाउट चाइनीज अधिकतर विद्वान चाइना को एक्सेप्शन होने की बात करते हैं तो जरा देखें कि इसकी पृष्ठभूमि कहां तक जाती है चलिए चाइनीज मैप की जरूरत हमें बाद में पड़ेगी पहले हम चीन के इतिहास के चार डिफरेंट स्टेजेज आपको बताते हैं फर्स्ट स्टेज हमारा टाइटल क्या है पहले साइड हमने टाइटल पर बल नहीं दिया ये टाइटल भी अपने आप में टेलिंग है चाइना द जर्नी ऑफ मैन ऑफ एशिया टू बिकमिंग एन एशियन ड्रैगन चाइना जो चीन जो एशिया की एक मरीज से अपनी यात्रा शुरू की थी इट वॉज कैरेक्टराइज एज सिक मैन ऑफ एशिया यह भी इतिहास की विडंबना है कि सिक मैन ऑफ यूरोप ऑटोमन साम्राज्य था जिसका उत्तराधिकारी स्टेट सक्सेसर स्टेट आज टर्की है और सिक मैन ऑफ एशिया चीन को यह दर्जा मिला था लेकिन अब समझ सकते हैं कि एशिया का यह बीमार राष्ट्र बीमार देश बीमार साम्राज्य आज कितना बड़ा ड्रैगन हो गया कि जी सेवन से लेकर जी ट्वेंटी और दुनिया के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं या टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें यूएनओ भी है यूनेस्को भी है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है चीन के दबाव से सभी दबे पड़े हैं परंतु देखिए वो चीन की यात्रा कैसी थी तो मैं इसी क्रम में आपको पहला स्टेज बता रहा हूँ पहला स्टेज आते हैं कि जिसमें ये अच्छा स्टेज है चीन के इतिहास में चीन के इतिहास में एक ग्लोरियस पास्ट है मैं आपको बताऊं कि अगर आप बहुत ही एंशियंट वर्ल्ड में जाओगे तो आप देखोगे कि यूरोप की यात्रा एशिया के बहुत बाद में शुरू हुई एशिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी जिसे आप हरप्पा सभ्यता कहते हो एंड यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग वेस्ट एशिया पर्टिकुलरली इन इराक इन द वैली ऑफ दजला दजला की घाटी में आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम सुना होगा और जरा आप अफ्रीकी महाद्वीप जाओ जिसे कि आज लोग दूसरी आप समझते हैं कि सबसे अंडर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है हालांकि उसके अंडर डेवलप्ड होने में भी ऐतिहासिक परिस्थितियां बहुत हद तक उत्तरदायी हैं वहाँ भी आपको देखकर आश्चर्य होगा कि वहाँ भी सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में एक पनपा था वह था मिस्र की सभ्यता चीन की सभ्यता उसके थोड़े बाद की है बट इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड वहां पर एक शांग डायनेस्टी करके हुआ करता था शांग वंश और शांग की सभ्यता उसकी अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन थी और वो शांग वंश कुछ समय तक चला जैसे आप इंडिया में आप देखोगे बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे डायनेस्टीज आए एंसेंट में और बहुत सारे मेडिवल में डायनेस्टीज आए तो मैं स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हो कि हमारी यात्रा 1500 हंड्रेड ईयर्स की है तो मैं उससे आपको परप्लेक्स नहीं करना चाहूँगा इसलिए नहीं क्योंकि इतनी लंबी यात्रा में अगर हम एक एक शासक या इस तरह के डायनेस्ट की डायनेस्टीज की चर्चा करने लगूँ तो आप भी बोर हो जाएंगे हमें केवल इंपॉर्टेंट पड़ाव पर रुकना है वी हैव टू स्टॉप एट द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स तो कुल मिलाकर आप देखिए कि शांग डायनेस्टी आई फिर उसके बाद चाओ डायनेस्टी आई लेकिन चीन के इतिहास में एक हान वंश था वो बड़ा महत्वपूर्ण वंश माना जाता है वो सेंचुरीज में आया और हान वंश आज भी चीन के लोग अपने आप को हान पुत्र कहलवाना पसंद करते हैं क्योंकि हान वंश एक चीन का वन ऑफ यू कैन से द मोस्ट एक्लेम्ड डायनेस्टीज इन चाइना यू कैन से और उसने चाइना को यूनिफाई करने का काम उसमें ऑर्डर पर्टिकुलरली उसको स्टेबलाइज़ करने का काम हानव के अंतर्गत हुआ था और आगे मैं एक आपको फिलोसॉफर से भी परिचय कराऊंगा उनका नाम होगा कन्फ्यूशियस ये आश्चर्य की बात नहीं है मुझे लगता है कि अगर हम कन्फ्यूशियस की शिक्षा या कन्फ्यूशियस के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाए तो शायद हम चीन के साथ ना तो अतीत में जस्टिस कर पाएंगे न वर्तमान में क्योंकि चीन अगर एक्सेप्शनल कंट्री है जैसा कि पर्टिकुलरली यू एस के एक स्कॉलर घोषित करते हैं तो उसको एक्सेप्शनल बनाने में उस कन्फ्यूशियस का भी कुछ रोल है जो बड़ा ही स्पेशल टाइप का और एक्सेप्शन टाइप का एक्सेप्शनल टाइप का एक रिलीजियस रिफॉर्मर था वहां तो कन्फ्यूशियस की शिक्षा को भी कुछ हद हाँ तक इसने लागू करने की कोशिश की थी कन्फ्यूशियस आया था इतिहास में छठी सदी सापुर में मतलब ही वॉज मोर और लेस कॉन्टेम्परी टू यू कैन से सम इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर्स लाइक बुद्धा महावीर पाइथागोरस इन ग्रीस एंड जड़ इन ईरान ये सब लगभग क्योंकि 150 वर्षों का फर्क है लेकिन सभी कॉन्टेम्प्रेरी ही माने जाएंगे उसी में कन्फ्यूसियस था लेकिन बुद्ध और महावीर ने हमें क्या शिक्षा दी मैं पीछे हिंदू धर्म के लेक्चर वाले में आपको बता चुका हूँ थोड़ा सा जड़थ्रूस से भी मैं आपको अवगत करा चुका हूँ एंड लेकिन कन्फ्यूशियस एक नए प्रकार के शिक्षक हैं उनकी चर्चा करूँगा तो चलिए अब कुल मिलाकर आप देखेंगे कि धीरे धीरे हान और फिर अभी तो पूरा नहीं यूनिफाई हुआ लेकिन जिसको आप वर्तमान चाइना कहते हो उसका शेप पकड़ना इस टाइम में आरंभ हो गया था चीन अब धीरे धीरे बड़ा और ताकतवर होने लगा था लेकिन यह प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया है क्योंकि हम उस लंबी प्रक्रिया पर आगे जाएंगे तो मैं आपको बता रहा था कि अब ये एशिया की महान शक्ति के रूप में उदित हुई थी और इस महान शक्ति में एक चीज़ और भी मानी जाती है कि इसे कहते हैं मिडल सेंचुरी सिंड्रोम सबसे बड़ी बात यह है कि एक फ्रेज का नाम आपने सुना होगा उस फ्रेज को कहते हैं फिल ग्रेट सिंड्रोम। तो जो चाइनीज मोनार्क्स थे वो वो एक फिल ग्रेट सिंड्रोम से भी उनमें था कि हम दुनिया के महान मोनार्क हैं वे अपनी तुलना देवता से करते थे दैट वॉज कॉल्ड डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप आप जब इंडियन हिस्ट्री पर होगे तो वहां देखोगे कि उनके कॉन्टेप्ररी इंडिया में उनके समकालीन एक कुशाना रूलर कुशाना रूलर थे कनिष्का नाम सुना होगा या फिर कनिष्का के सक्सेसर्स थे या उससे पहले कुजला कैदफि और वीमा कैदफिश थे देवी ऑलमोस्ट कॉन्टेम्प्रेज और ये जो रिफॉर्मर्स हैं सॉरी ये जो रूलर्स हैं वो अपने आप को चाइना के किंग की तरह देवता के प्रतिनिधि समझते थे मींस कि देवर मेकिंग अ क्लेम ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप मतलब उसे कहते हैं दैवी राजतुक का सिद्धांत कुषाण कुशान अपने को देवपुत्र की उपाधि लेना पसंद करते थे यह टाइटल उन्होंने चाइनीज मोनार्क्स नहीं लिया था चाइना के साम्राज्य को ही ची, चीनी साम्राज्य को कहा जाता था स्वर्गीय साम्राज्य हेवनली किंगडम हेवनली किंगडम इसलिए कि वो अपने आप को मानता था कि हम देवता हैं और हमारा जो साम्राज्य है वो और हमारा जो पैलेस है वो जस्ट हेवेन की तरह है तो अपने से महान किसी भी शासक को दुनिया में नहीं मानते थे और उनकी दुनिया चीन से ही शुरू होती थी मतलब वो मानते थे हम मिडल में हैं और पूरी दुनिया हमारे साथ डिफाइंड होगी वी आर इन द सेंटर इसको कहते हैं मिडल कंट्री सिंड्रोम आकार तो इनका बड़ा हो ही चुका था आसपास कोई पड़ोसी शक्ति नहीं थी इनको चैलेंज कर सकती सिवाय मंगोलों के आगे अन्य फिर चीनी क्षेत्र में कुछ जैसे आप देखोगे शांग को चाओ ने जीता तो वो भी नेबरहुड में ही थे कोई बड़ी चीज नहीं वो सब चाइना के क्षेत्र में थे तो छोटे छोटे डायनेस्टी धीर धीरे धीरे बड़े होते गए फिर हान आए फिर हान के बाद आप देखोगे और इसी तरह से आप आगे चलकर उसमें थोड़ी सी अव्यवस्था आ जाएगी हान साम्राज्य के पतन के बाद फिर एक ए, एक एक डायनेस्टी आएगी क्वीन उसको बोलेंगे फिर उसके बाद एक डायनेस्टी आएगी उसको आप देखेंगे वो डायनेस्टी को आप मिंग डायनेस्टी बोलेंगे मिंग डायनेस्टी के बाद फिर आगे आप देखेंगे क्विंग डायनेस्टी उसी को मंचू डायनेस्टी बोलेंगे तो इतने सारे डायनेस्टीज की चर्चा करके मैं आपको पर्टर्व नहीं करना चाहता सिर्फ बताना चाहता कि धीरे धीरे चीन एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था उसमें एक मिडल कंट्री मिडल कंट्री सिंड्रोम था मिडल कंट्री सिंड्रोम का मतलब है वो मानता था कि वी आर इन द सेंटर एंड ऑल द डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड शुड बी डिफाइंड इन आवर कंटेस्ट तो ये और पृथ्वी के बारे में उसकी धारणा थी कि दुनिया चौकोर है और उसके चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है तो इस प्रकार से चलिए लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि चीन की कुछ उपलब्धियां भी थी अगर मान लीजिए यूनान की सभ्यता दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करने का दावा करता और पश्चिमी देश यह दर्शाने का प्रयत्न करते हैं पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज आर ट्राइंग टू इंफेसाइज दिन फैक्ट द वेस्ट हैज गिवेन लॉट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इवन ड्यूरिंग एंसियंट पीरियड तो ये ग्रीक लोगों का दावा या, या यूरोपीय लोगों का दावा अगर आप चीनी लोगों को देखोगे भारत की सभ्यता देखोगे तो उनका दावा छोटा हो जाएगा अब देखो चीन में देखो प्रबुद्ध नौकरशाही इलाइटेंट ब्यूरोसी ब्यूरोक्रेसी दुनिया में हर जगह पैदा हुई लेकिन उसके लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाए देर शुड बी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और उसमें उसमें जो योग्य हैं प्रतिभाशाली हैं उन्हें नौकरशाही में लिया जाए और इस तरह की बात कन्फ्यूशियस ने की थी और कन्फ्यूशियस ने भी इस बात पर बल दिया था कि अधिकारियों को प्रबुद्ध होना चाहिए दे शुड बी एनलाइटेंड दे शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ लिटरेचर उन्हें साहित्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए तो ये सब चीज़ दुनिया के किसी भी ये सभी चीज़ें दुनिया के किसी भी चीज़ों में आ, किसी भी क्षेत्र में विजिबल नहीं था उस समय ये सभी चीज़ें दुनिया के अन्य क्षेत्रों में विजिबल नहीं था और प्रतिभा का महत्व मेरिट बेस्ड सिस्टम यानी मेरिटोक्रेसी मतलब वो जो, जो किसी को अगर आप सेलेक्ट करो लाइफ में जिनकी प्रतिभा है उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए तो कुछ क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं क्योंकि अगर चीन से जब बात होती है तो अचानक इंडिया पर हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक है एक इंडियन का व्यू तो हमेशा चाइनीज सेंट्रिक होता है चाइनीज सेंटेरिक इसलिए होता है क्योंकि चाइना ने हमें प्रतिस्पर्धा दी है चाइना से हमें प्रतिस्पर्धा होती है अगर सच पूछिए एंड इफ़ यू जस्ट अलाउ मी टू मेक ए कन्फेशन तो चाइना से हमें ईर्ष्या भी होती है दोनों चीज़ें होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा मान कर चलते हैं कि हम दोनों ने एक साथ शुरू किया था एनशियन पीरियड में हम कल्चरली उनसे हम कम रिच नहीं थे अगर ज़्यादा नहीं तो कम रिच नहीं थे और हमारी भी अपनी कल्चरल अचीवमेंट्स हैं हमारे यहाँ भी बड़े बड़े एम्पेयरस हुए मौर्य एम्पायर हुआ मौर्य के बाद कुशाना एम्पायर हुआ जो सिल्क रूट के भी एक पार्ट पर उस समय नियंत्रण रखता था उसके बाद चलिए जब मुग़ल एम्पेयरस हुए हालांकि अब तो कुछ हमारे ये मुझे अफसोस है इंडिया में कि अब कुछ लोग इस बात में व्यस्त हैं कि मुग़ल एम्पेयर के लेगेसी को एक फ़ौरन डायनेस्टी मान के अस्वीकार कर दिया जाए लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूँ और मेरा विश्वास है कि मेरे बहुत सारे इनलाइटेंट व्यूअर्स हमारे जो प्रबुद्ध पाठक हैं जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वह भी इस तरह के दक्याणु विचार नहीं रखते हमें खुशी है तो मैं आपको बता रहा था कि ये मेरिट बेस्ड सिस्टम था जो इसका अचीवमेंट था अब बात आ गई कन्फ्यूशियस की थोड़ा मैं उनको बता दूं अब बुद्धा कहते हैं ना आत्मा होती है ना परमात्मा होती है ये सभी संस्कार व्यवधर्मा है इसलिए अप्रमाद होकर कार्य करो तो अब उनका मानना है कि ये संसार नश्वर है महावीर कहते हैं ये संसार नश्वर है कोई बोलते हैं केवल प्राप्त करके आप मुक्त होइए कोई बोलते हैं निर्वाण प्राप्त करिए यू हैव टू रियलाइज निर्वाण हमारा उपनिषद का चिंतन बोलते हैं कि रियलाइज की कर लोगे, मैं हूं, तो आप इस सांसारिक जंजालू से मुक्त हो जाएंगे लेकिन कन्फ्यूशियस ऐसा नहीं बोलता कन्फ्यूशियस ऐसा नहीं बोलता ही वॉज बेसिकली अ पोलिटिकल थिंकर एंड फिलोसफर नॉट अ रिल रिफॉर्मर वो तो परलोक की बात ही नहीं करता वह आफ्टर लाइफ की बात ही नहीं करता वह दो तीन बातें ऐसी सटीक बोल जाता है जिसने चीनी संस्कृति को एक नई दिशा दे दी है उसने कहा कि एक सामुदायिकता की भावना पर बल देता है एक फैमिली डिसिप्लिन पर बल देता है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए वी हैव टू मेंटेन अ हायरार्की हमें बड़ों के आदेश को चैलेंज नहीं करना चाहिए सरकार के आदेश को चैलेंज नहीं करना चाहिए हमें एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स एंड एक रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल प्रजा बनना चाहिए और हमें जो अथॉरिटी है सत्ता है चाहे वो जो भी सत्ता हो हमारे सामने हमारे परिवार के मुखिया की सत्ता हो या सरकार की सत्ता हो उनके आदेश को मानना चाहिए अब देखिए नॉर्मली आपके मस्तिष्क में एक बात होगी बहुत ही नेचुरल है कई बच्चों के दिमाग में आ ये बात आती होगी कि आखिर हम कल्चर क्यों पढ़ते हैं क्योंकि कल्चर एक ऐसी चीज है जिसे हम भूल नहीं सकते वो हमारे संस्कार में मतलब मस्तिष्क में इम्प्रिंट हो जाता है और जेनरेशन टू जेनरेशन चलता है तो चीनी लोगों में आज भी देखते हो जो अथॉरिटी के प्रति खैर मैं आगे इस बात की चर्चा करूंगा जैसे इंडियंस बाई बॉर्न क्वेश्चन करने वाले होते हैं अथॉरिटी को भी क्वेश्चन कर देते हैं आपने मैंने हिंदुजम वाले लेक्चर में बताया कि किसी एक सत्ता को स्वीकार नहीं करते इसलिए इंडिया में अगर कोई ऑटोकेटिक गवर्नमेंट बनाना चाहे तो बड़ी ही मुश्किल है श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी एरा में प्रयास किया था तो मुंह की खानी पड़ी थी क्योंकि इंडियंस को टैंक भी नहीं दबा सकता विचारों की स्वतंत्रता हमारी संस्कृति में इंसराइंड है वहां चाइना में ठीक है वो कल्चर के भी अपने अचीवमेंट्स हैं लेकिन हाँ उस कल्चर में एक है कन्फ्यूशियस वाद का प्रभाव है जो कहीं ना कहीं परंपरा और सत्ता के महत्व पर बल देता है और मैं आपको यह सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा कि वर्तमान में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है वह इस कन्फ्यूशियस वाद का भी फायदा उठा रही है अब ये अब कन्फ्यूशियसवाद आपने देखा तो इस तरह से चाइना इतना ही नहीं दुनिया को इसने और भी कई चीजें दी जैसे कागज पेपर फर्स्ट सेंचुरी में ही पेपर का प्रयोग इसने शुरू किया और उसको बहुत बाद में अरब बालों ने अपनाया और दुनिया में फैलाया उसी प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा तो हमने आपको बताया ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके कुछ विशेष प्रकार के बर्तन बनाने की जिसको चीनी मिट्टी के बर्तन कहते वो भी उनका एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट था रेशम उद्योग में बहुत आगे चले गए थे वो और मैं आपको यह भी बताना चाहता कि जैसे गन पाउडर में भी उनका योगदान माना जाता है दूसरी बात है कहीं ना कहीं कार्टोग्राफी मतलब कार्टोग्राफी का मतलब यह हुआ कि जिसको मानचित्रावली या मैप बनाना कहते हो वह भी चाइना में धीरे धीरे प्रचलित हो रहा था और इतिहास लेखन दुनिया में अगर हिस्ट्री राइटिंग कहीं भी शुरू हुई तो कहाँ शुरू हुई चीन में शुरू हुई और हिस्ट्री राइटिंग में के साथ बहुत सारे ट्रैवलर्स थे तो ट्रैवलर्स ने अपने संस्मरण लिखे संस्मरण आप जानते हैं ट्रेवलॉग मतलब उसमें उन्होंने अपने अनुभव को बांटा और उसी क्रम में थोड़ी सी की भी उन्होंने बताई चीनी लोगों के जो जहाज उस समय होते थे और उनकी जो सामुद्रिक गतिविधियां होती थी उसकी कोई शानी नहीं थी आप यही समझें कि एक व्यक्तित्व का मैं नाम बताऊंगा उस व्यक्तित्व का नाम है जेंग हे ये जेंग हे को कहा जाता है चाइना का जैसे जेंग उसको झेंग बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं झेंग है और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का तो आप जानते हो कि फर्क है तो ये झेंग है कौन थे ये बेसिकली एक चाइनीज नाविक था एक सेलर था और एडवेंचरर था उसने चीन में उस समय एक डायनेस्टी हुआ करती थी तो उसका नाम था मिंग डायनेस्टी उसी के संरक्षण में इसने सामुद्रिक यात्रा की थी जैसे आप देखोगे ये चाइना है तो इसने अब देखिए खोज करने की कोशिश की थी यहां से अपने जहाज को निकाला था चाइना चूंकि यही इसका मलक्का से होकर है और यह हिंद महासागर का दौरा किया और वहां से करते हुए पूरब की तरफ तो अब मेरा यहाँ समाप्त हो रहा है वो अरब सागर में घुसा और अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंच गया था यहां तक वो गया और उसने सेवन वोएजेज किए थे सेवन वोएजेज का मतलब है कि सात बार सात बार उसने यात्राएं की थी मतलब सेवन वोएजेज उसके हुए थे और ये सभी हुए थे फिफ्टीन सेंचुरी के पूर्वार्ध में पूर्वार्ध तो समझते होंगे मतलब कि 1750 से पहले नियरली 1733 सॉरी फोर्टीन थर्टी वगैरह का टाइम है उस समय उसका वो शुरू हुआ सेवन वोएजेज लेकिन उसके बाद ये सात सामुद्रिक यात्राएं करने के बाद चीनी शासकों ने सामुद्रिक यात्राओं में रुचि नहीं ली और यहीं से चीन थोड़ा सा पीछे होता चला गया नहीं तो चीन और भारत दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक क्षमता रखता था मैं आपको बताऊं कि 18वीं सदी में अठारह सौ ईस्वी में वर्ल्ड जीडीपी का लगभग एक तिहाई केवल चीन पैदा करता था और 24 परसेंट भारत पैदा करता था 31 परसेंट चीन और 24 परसेंट भारत समझ सकते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट है उस समय क्योंकि भारत भी इससे इसी के ही समकक्ष जा रहा था लेकिन अभी भारत तो हमारे विचार का विषय नहीं है हमें चीन को ही देखना है इस पर कंसंट्रेट होना पड़ेगा लेकिन अंतर यहाँ से पढ़ना शुरू हो गया अब जब इसको कहा जाता है जेंग है जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की है इसे कहा जाता है चीन का कोलम्बस क्योंकि आप जानते ही हो चीन का कोलंबस इसलिए कि वैसे भी नॉर्मली एक धारणा सामान्य सी धारणा होती है यूरोसेंट्रिक व्यू पश्चिम सेंट्रिक व्यू तो उसमें चीन का कोलंबस इसको कहा जाता है कोलंबस ऑफ चाइना लेकिन यह कोलंबस को रोक दिया गया इसके पेपर भी नष्ट कर दिए गए और चीन उस एडवेंचर में नहीं गया अब अगर मैं बताऊंगा नहीं तो आपके दिमाग में एक कुरेता रहेगा कि आखिर इतनी बड़ी भूल कैसे हुई तो आप जानते हो कि सोशल साइंस में किसी चीज़ की एक से अधिक व्याख्या होती है लेकिन एक जो प्रभावी व्याख्या है वह यह है कि चीन के समाज में धीरे धीरे अंधविश्वास जैसी चीज़ घर करने लगी थी और जब अंधविश्वास जैसी चीज़ आ जाती है तो किसी भी समाज का पतन होने लगता है तो चीन के समाज में वह अंधविश्वास जैसी चीज़ यह घर करने लगी कि जिब्राल्टर अभी जिब्राल्टर का मैप हमारे पास नहीं है लेकिन आप जरा गौर करके देखो इफ़ यू विल गो थ्रू यूरोपियन हिस्ट्री एंड यूरोप एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मैप पर क्योंकि अब मैप की तो हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स के क्योंकि हमारे व्यूअर्स अब बहुत एनलाइटेंड व्यूअर्स होने जा रहे हैं हम इन व्यूअर्स को अपने चैनल पर इंडिया के टॉप इंटेलेक्चुअल्स बनाएंगे ये हमारी कोशिश होगी और ये चीज़ में आपको थोड़ा हमें साथ देना पड़ेगा साथ यह देना पड़ेगा कि आपको जो मैं फार्मूला बताता हूँ उस फार्मूला को आप पढ़िए मतलब एक दिशा बदल जाएगी सोशल साइंस की जो हमारी यूनिवर्सिटी नहीं कर पाई जो हमारे कॉलेज एजुकेशन अब तक नहीं कर पाए टू तो थाउजेंड का एजुकेशन पॉलिसी आई है वो क्रिटिकल ओपिनियन डेवलप करने की बात कर रही है वो कितना ऑनेस्ट होगी आई डोंट नो क्योंकि उसका क्रियान्वयन कैसे होगा यह पर मुझे शक है क्योंकि अभी जो यू का सिलेबस आया है उसमें लग रहा है कोई पोलिटिकल लीडर ने उस सिलेबस को फॉर्मुलेट किया है तो अगर आप एजुकेशन सिस्टम में इंटेलेक्चुअल्स को दरकिनार करके पॉलिटिकल लीडर अगर इंटरवेन करोगे तो क्रिटिकल ओपिनियन डेवलप नहीं होगा उसमें विचारों को आज़ादी देनी पड़ेगी तभी क्रिटिकल ओपिनियन डेवलप होता है ओके okay, तो मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता कि चीन का अब वह दिन समाप्त हो गए क्योंकि वहां पर अंधविश्वास यह था कि आप अगर स्पेन के दक्षिण में जाओगे अफ्रीका के ठीक उत्तर में एक जगह है जिब्राल्टर तो वहाँ एक पॉइंट है मतलब दोनों में बहुत संकीर्ण जगह दिखेगा आपको वहां से आप सीधे भूमध्य सागर से निकलोगे और अटलांटिक महासागर में चले जाओगे तो उसमें वहां पर एक धारणा चाइनीज लोगों में घर कर गई थी कि जिब्राल्टर से पश्चिम नरक का द्वार है नरक का द्वार अब ऐसी धारणा है इट इज आप यू कैन से डोर फॉर इट इज अ वे फॉर हेल तो अब इस तरह की जब धारणा गई तो स्वाभाविक है अब यहां से मैं यह लेता हूं दैट इज कॉल्ड द ग्रेट डाइवर्जेंस ऑफ सिक्सटीन सेंचुरी द ग्रेट डाइवर्जेंस ऑफ सिक्सटीन सेंचुरी इसलिए कि फिफ्टीन सेंचुरी के अंत में यूरोप ने अमेरिकी महाद्वीप को खोज लिया अमेरिकी महाद्वीप को खोजने का मतलब है कि वंस अमेरिकन कॉन्टिनेंट वर डिस्कवर्ड इट मीन्स कि यूरोपियंस वेयर आर हैविंग एन एक्सेस टू यू कैन सी द वास्ट सोर्स ऑफ द प्रेसियस मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड क्योंकि यूरोप के पास अपने उतने संसाधन नहीं थे अब यूरोप के पास इतने सारे रिसोर्सेज सिल्वर और गोल्ड आ गए तो इतने रिसोर्सेज आने के बाद अब पश्चिम पूरब के साथ अच्छी ढंग से व्यापार कर सकता था और उसी समय पश्चिम में एक सी वोएजेज शुरू हुआ क्योंकि उधर का रास्ता बंद हो गया था वो कहानी अभी मैं नहीं छेड़ना चाहूँगा एक दो लेक्चर में मैंने कहा था कुस्तुनतुनिया का पतन जिससे मार्ग जब उनका अवरुद्ध हो गया लाल सागर और फारस की खाड़ी वाले तब वो अटलांटिक महासागर भाया हिंद महासागर एंड अरब महासागर में वो आना शुरू किया उन्होंने तो जब ये रूट उन्होंने पकड़ा तो उस क्रम में जाहिर है कि उनका व्यापार भी सी वोजेज हुआ फिर एक बार ओरिएंटल वर्ल्ड से उनमें विचारों का आदान प्रदान हुआ उनके यहाँ ऋणेशया पुनर्जागरण आया, पुनर आया धर्म सुधार आंदोलन आया व्यावसायिक क्रांति आई सामंतवाद का विघटन हुआ यानी कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड देन देर वॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरप एंड ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल यूरोप टू मॉडर्न यूरोप, तो वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस चला तब हमारे एशिया प्राचीन क्या इरान की प्राचीन सभ्यताएं चाहे वो ईरान की ईरान हो या भारत हो या चीन हो अपनी नींद सो रहे थे अब यहीं पर द ग्रेट डाइवर्जेंस आएगा और उसके बाद चीन के इतिहास में एक बड़ा ही दुखद अध्याय शुरू होगा जिसे आप कहते हो सिक मैन ऑफ यूरोप और वह दुखद अध्याय है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन चीन में तब सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन की शुरुआत होगी जरा उस सेंचुरी पर भी हम लोग थोड़ा नजर डालें अब ये सेकेंड स्टेज आ गया अब ये सेकेंड स्टेज क्या है दैट इज सेचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन मतलब अपमानों की सदियां एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1842 टू 1949 अब इसी में मैंने द ट्रीटी ऑफ नानकिंग 1842 वॉर ऑफ़ कंसेस एवंग यूरोपियन पावर्स 19 सेंचुरी ये सब बातों की हमने चर्चा की है ये सारी बातें आपके लिए नई है इन पर हम दो दो चार चार पंक्तियों में प्रकाश डालकर हम आपको ओरिजेंटली लेते हुए चले जाएंगे आपको मैं तथ्यों के दबाव से मैं नहीं डालूंगा मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप में से इस लेक्चर को सुनने के बाद जिनकी खुद की जिज्ञासा जग जाए वो जाइए हिस्ट्री ऑफ चाइना पर हिस्ट्री ऑफ जापान पर हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया पर और वहाँ पर देखिए कि कैसे या फिर सोवियत रशिया पर कोई ना कोई लेक्चर हमारा आ जाएगा तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि आप लोग खुद एक्टिवेट होकर सोचें अब देखिए जब पश्चिमी जब पश्चिमी शक्तियाँ जब आधुनिकता आई मॉडर्नाइजेशन आई तो एक दुर्भाग्यजनक बात हुई अब हम लोग समझ नहीं पाते हैं माय व्यूअर्स क्योंकि वैसे भी मैंने आपको बताया है क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज में इसको और भी क्लियर करूंगा कि ह्यूमैनिटीज में कोई एक वर्डिंग नहीं होता है जैसे मैंने आपसे पूछा कि नेशनलिज्म अच्छा है या बुरा है मॉडर्नाइजेशन अच्छा है या बुरा है तो मैं आपसे पूछूँ क्या मॉडर्नाइजेशन बुरा है या नहीं है अगर मैं कहूँगा मॉडर्नाइजेशन की कुछ बुराइयां बुराइयाँ बताएं तो हमारे कितने इलाइटेंड जो ऑडियंस हैं वो बता पाएंगे मुझे लगता है कि मेरे इस चैनल पर बहुत इस तरह के ऑडियंस है जो बता पाएंगे अब मेरे स्टूडेंट्स से पूछा था इंटरव्यू बोर्ड में उन्होंने कि अच्छा पार्टीशन ऑफ इंडिया का एक फ़ायदा बताइए मेरे स्टूडेंट्स से खैर मैंने उनको इतना प्रशिक्षित किया हुआ था आप ये मत समझे कि मैं व्यर्था दावा कर रहा हूँ आप अनुमान कर सकते हैं कि मैं कैसे उनको प्रशिक्षित किया होगा मैंने प्रशिक्षित किया हुआ था कि उसको कोई दिक्कत नहीं उसने कहा कि मुझे सर एक फ़ायदा नज़र आता है अगर पार्टीशन ऑफ इंडिया नहीं हुआ होता तो आज इंडियन यूनियन इतना स्ट्रोंग नहीं होता क्योंकि जो सिस्टम कैबिनेट मिशन प्लान में ब्रिटिश दे रहे थे उसमें सेंटर बहुत ही वीक होता और इससे हो सकता है कि विभेद कारी शक्तियां जिसको कहते फोर्सेस उसको प्रोत्साहन मिलता अब यह उत्तर सुनकर परीक्षक पूरा बोर्ड शांत हो गया और खुश हो गया तो मतलब यह है कि हर चीज के चीज के, के बावजूद भी कई बार हमारे चैनल पर कुछ बच्चे बताते ऐसे नहीं होगा बिल्कुल ऐसे होगा आप लिखिए आप मोर देन वन इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं यू आर फ्री टू डू दैट अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो, वो तथा जो उनकी आधुनिकता थी वो हमारा औपनिवेशीकरण था कॉलोनाइजेशन उन्होंने हमारा हमें कॉलोनी बना लिया कॉलोनी वह होती है कि जिसको आप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए एक्सपाइट करते हो अपने आर्थिक हित के लिए जिनका शोषण करते हो उन्होंने हमें कॉलोनी बना लिया और वहाँ मॉडर्नाइजेशन था तो मतलब वहाँ जब उनकी डोली उठ रही थी तो हमारे यहाँ जनाजा सज रहा था तो पहला चप्पत तो हमें मारा पलासी और बक्सर के ऊर में क्योंकि अब ऐसा इसलिए किया कि वो हमसे जो ट्रेड करते थे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो हमारे फेवर में था क्योंकि उनकी वस्तुएं हम नहीं खरीदते थे उनकी जरूरत थी हमारी वस्तु खरीदने की अब उनको देना पड़ता था उसके बदले प्रेसियस मेटल जो वो अमेरिकी महाद्वीप से उठा कर लाते थे तो इसी क्रम में उन्होंने हमें पहला चप्पत मारा और फिर हमारे भूभाग पर कब्जा करना शुरू किया चीन के साथ भी उनको वही परेशानी हुई चीन से वो रेशम और चाय खरीदते थे एंड इन एंड इन रिटर्न दे वेयर कम्पेल्ड टू सबमिट टू चाइना अ सबस्टेंशियल अमाउंट ऑफ प्रेसियस मेटल लाइक सिल्वर तो वो जुगत बैठाने लगे कि भाई चलो कोई ऐसा उपाय करता हूं तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे भारत में अफीम की खेती पर कब्जा कर लिया और अफीम उपजाने लगे अफीम की नीलामी करते थे यहाँ से पारसी व्यापारियों को और कुछ फ्री ब्रिटिश व्यापारियों को भेजते थे कि जाइए उस समय तक चीन ने अपना एक ही बंदरगाह खोला था उसको बोलते हैं कैंटन बंदरगाह कि वहाँ पर जाइए और अफीम बेचिए तो अफीम यहाँ से इतनी मात्रा में जाने लगा कि चीन का रेशम और उनका जो रेशम था सिल्क था और जो चाय के पेमेंट के बाद भी बैलेंस ऑफ ट्रेड ब्रिटिश के फेवर में चला गया तो चीन की सरकार को दो चिंताएं थी एक तो ड्रग मार्केट होता है वो कम होने के बजाय बढ़ता जाता है यही एक मार्केट है बच्चे चाहे वो कोरोना हो या वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हो लेकिन ड्रग मार्केट में कभी डिप्रेशन नहीं आता क्योंकि जिनको आदत लग जाती है वो अपना ब्लड बेचकर भी उसको खरीदना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अब चीन में क्या हुआ कि एक पूरा जनरेशन ऑफ चीनी है वो अफीमची होने लगे तो सरकार को स्वास्थ्य की चिंता भी सता रही थी इसके अलावा उन्हें एक और भी प्रॉब्लम था कि इसके बदले जो सिल्वर आता था अब ब्रिटिश अफीम के बदले यहां से रेशम और चाय उठाने लगे उल्टा बैलेंस ब्रिटिश के फेवर में चला गया इसी पर चीन की सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की वही आपका है उसको कहते हैं ओपियम वॉर अफीम युद्ध 1839 से 1842 के बीच चला 1842 में चीन के शासक पराजित हुए उस समय चीन में मंचू वंश उसको क्विंग डायनेस्टी बोलते हैं मंचू वंश का शासन था और जो क्वांग क्वांग डाउ करके किंग था उसमें मंचू वंश का तो जब उसको धक्का लगा पहले तो अपने आप को हेवेनली किंगडम समझता था इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं कि उसको कितना अपने बारे में फील ग्रेट फैक्टर था आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल जैसे वो अपने दरबार में एक नोटो तो, नोटो तो मतलब उसको कुतु का नियम बोलते थे वो लगाया हुआ था अगर सम आउटसाइडर इज जस्ट कमिंग देयर सो दे वे आर सपोज टू जस्ट पॉक्सटेट बिफोर द किंग थ्राइस एंड टू पुट द हेड हिज हेड ऑन द अर्थ नाइन टाइम्स मतलब उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो तीन बार घुटने टेके और नौ बार मत्था टेके दरबार में तो ये नियम यूरोपियंस पर भी उन्होंने लागू किया हुआ था तो यहाँ से लॉर्ड मैकार्टनी गए इंडिया से और पूरे जहाज में भरकर गिफ्ट ले गया चीन के किंग के लिए खुश हो जाएगा चीन का किंग और जब वहाँ गया तो चीन के ब्यूरोक्रेसी ने ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि भाई आप नोट आउट करिए मतलब आप यहाँ घुटने मत्थर टेकिए अब लॉर्ड मैकार्टन लॉर्ड था इंडिया में उसकी इतनी इज्जत थी अब वो घुटने टेक के मत्थर टेके तो वो बहुत इस बात से डिस्टर्ब हुआ और फिर चीन के गवर्नमेंट को उसने गुहार लगाई कम से कम मुझे तो आप बक्स दीजिए तो अंत में फाइनली यू कैन से व्हाट वॉज द कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला कि ठीक है आप एक घुट दो घुटने नहीं तो कम से कम एक घुटने टेकि हाँ समझ सकते हो एक घुटना टेकना तो उसके लिए और अच्छा जिमनास्ट होना पड़ेगा कम से कम मैं तो नहीं टेक पाता आप लोग भी इसको आजमा सकते हैं कि भाई दो घुटने के बजाय एक घुटने टेक और एक घुटने खड़ा रख के कोई कैसे रह सकता है खैर एनी वे तो इट इज जस्ट अ जोक यू कैन से लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि इससे ब्रिटिश को एक कॉज मिला कि भाई चाइनीज लोग बारवरस हैं हम लोगों के साथ ह्यूमिलेट करते हैं और चीन की किंग ने उसको डायरेक्ट कहा कि देखिए हमें आपकी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है आपको अगर हमसे परेशानी है तो आप यहां से चले जाइए एंड दूसरी बात कि आप गिफ्ट भविष्य में मत लाइएगा एक्चुअली दिस टाइम वी हैव एक्सेप्टेड योर गिफ्ट वी हैव जस्ट टू ऑबलाइज यू इट्स इज इट इज अ ग्रेस ऑन माय पार्ट एक्सटेंडेड टू यू हैव एक्सेप्टेड द गिफ्ट लेकिन भविष्य में अगर आप इस तरह का गिफ्ट लेकर आएंगे तो हम उसे ठुकरा देंगे अब कितना अपमान है आप समझ ही सकते हो अब जब अफीम युद्ध जब चीन का शासक हारा जो अपने आप को देवता समझता था तो उसको लगा कि भाई इस देवता को एक गोरा इंसान ने पीट डाला उसे पराजित कर दिया हम किस तरह के देवता हैं भाई तब तो उसने पता लगाना शुरू किया कि ये गोरा है कौन मतलब यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द पॉइंट कि मतलब टू व्हाट एक्सटेंड चाइनीज सोसाइटी बिकेम इंसुलर एट दैट टाइम अगर कोई समाज घोंगे की तरह अपने ही शिप में घुस जाता है और बाहर की दुनिया से कट जाता है तो वही अंजाम होता है जो चीनी लोगों को अफीम युद्ध में हुआ कैन यू बिलीव दैट कि अफीम युद्ध को लूज करने के बाद चीन के सम्राट ने अपने एक अधिकारी से पूछा कि आखिर ये ब्रिटिश है कौन कहाँ रहते हैं कहीं ये रूस के बगल में तो नहीं है क्योंकि वह भी रूसी लोगों की तरह गोरे लगते हैं अब कैन यू बिलीव दैट कि ये इनका स्टेज था वो नहीं समझ पा रहे थे इस चीज को अब तो इनका स्थिति बिगड़ने लगी अब एसिमिलेशन का टाइम स्टार्ट हो गया नानकिंग की संधि पर थोपी गई और इनको अपने पांच बंदरगाह पहले कैंटन बंदरगाह इन्होंने केवल खोला हुआ था अब इनको पांच नए बंदरगाह खोलने पड़े इसके अलावा इनको और भी कई तरह की रियायत देनी पड़ी चीन ने तो ये ब्रिटिश ने तो इनसे हांगकांग का भी ले लिया और जब ब्रिटिश ने एक बार रियायत प्राप्त की तब तो पश्चिमी शक्तियों की होर लग गई ब्रिटेन के बाद आप देखेंगे जर्मनी यूएसए फ्रांस ये सब दौर पड़े और सब चीन की सरकार पर ऑन दैट कंडीशन वही रियायत प्राप्त करने लगे अब चीन की सरकार बश में ही नहीं रहेगी धीरे धीरे सारी शक्तियां अपनी गिरफ्त मजबूत करने लगी अब इसकी बड़ी लंबी कहानी है उसको ट्रीटी पोर्ट सिस्टम कहते हैं आप में से कई लोग जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए टी टी पोर्ट सिस्टम आपके सिलेबस में दिया हुआ होगा एक दिक्कत सिर्फ यही होती है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम अतीत से वर्तमान मतलब कोई एक टॉपिक होता है उस टॉपिक को पढ़ के उसके क्वेश्चन को करके हम भूल जाते हैं उसके आगा और उसका पीछा ये लिंक करने की कोशिश नहीं करते उसके बाद क्या हुआ मैं तो मानता हूँ कि सही मायने में क्यों न जिस समय से मानव पत्थर तोड़ रहा था वहाँ से लेकर मानव ट्वेंटी सेंचुरी में जबकि अब मानव आ गया है इस आ, कह सकते हो कि इस ग्लोबलाइजेशन भी तो अब बहुत पुराना पड़ गया अब तो टूटने की इस कगार पर आ गया आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में कितनी सारे मानव ने कितनी लंबी यात्रा तय की है उसका केवल एक ब्रीफ समझ हमें हो तो कितना मज़ा आएगा पढ़ने में आप यू कैन वेरी वेल इमेजिन चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमी है आपका पॉलिटी है आपका साइंस टेक है हमें कभी इस विषयों में परेशानी नहीं होती कई बच्चे बताते हैं हमें बहुत याद करना पड़ता है अरे याद करना तो चाहे पढ़ता है तो फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या है अगर हमारे में मोटिवेशन होगा इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू बी मोटिवेटेड सो विल डेवलप सच एन अप्रोच कि हमारी समझ इतनी विकसित हो जाएगी कि चीज़ों को फिर सेकेंड राउंड में हम छोटे छोटे तत्व भी देख लेंगे अगर स्ट्रक्चर बन गया तो छोटे तत्व देखने में क्या परेशानी तो मैं इसी क्रम में बताया कि अब ट्री पोर्ट सिस्टम हुआ और धीरे धीरे फिर एक बार इन पर एक दूसरी संधि थोपी ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर उसको बीजिंग की संधि अब तो बीजिंग कहते हो तब कहलाता था, था पेटिंग पेकिंग की संधि और 1861 में चीन का दरवाज़ा जबरन विदेशी शक्तियों ने खोल दिया अब चीन को अपने 11 बंदरगाह समर्पित करने पड़े इसके बाद मामला यहीं तक नहीं रुका चीन की सरकार देखो भारत और चीन में दो अंतर था इंडिया वॉज़ कोलोनाइज बाई द ब्रिटिश यूनो और चाइना वॉज कोलोनाइज बाई यू नो बाई होम सो इट इज अटर ऑफ सरप्राइज बाई फाइव टू सिक्स इंपोजिस्टिक पावर्स ऑफ द वर्ल्ड तो इंडिया का रास्ता और चीन का रास्ता कोलोनाइजेशन दोनों के नेचर में बहुत ज्यादा फर्क था दोनों के नेचर को हम इक्वेट नहीं कर सकते ओके तो अब चीन में बहुत सारी शक्तियां मिलकर उसका शोषण कर रही थी तो उसी क्रम में चीन में पहले उन लोगों ने और भी कई अधिकार लिए पहले चीन की सरकार से चीन की सरकार बनी हुई थी हमारे यहाँ इंडिया में 1857 के रिवोल्ट के बाद जो बहादुर शाह जफर था उसको फिर जब बंदी बनाकर ब्रिटिश ने वहाँ रंगून भेज दिया तो आफ्टर दैट देर वॉज वो, वो ब्रिटिश इम्पलिस्टिक सिस्टम में इंडिया डायरेक्टली आ गया चूँकि ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया चाइना में चीन की सरकार नाइनटीन तक रही उन्हें थ्रू आउट रही नाइनटीन में फिर वहाँ पर एक रिपब्लिक बना तो थ्रू आउट वो रही तो इसलिए वहां पर सर द गवर्नमेंट वॉज नॉट रिप्लेस्ड गवर्नमेंट रही लेकिन उस गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहा इट वो जस्ट लाइक मुखौटा आप कर सकते हो उससे कस्टम ड्यूटीज के भी अधिकार छीन लिए गए कस्टम ड्यूटीज के अधिकार भी छीन लिए गए कस्टम ड्यूटीज के अधिकार से हमारा मतलब यह है कि वो जो अब तक कस्टम ड्यूटीज लगाती थी अब वो कस्टम ड्यूटीज नहीं लगा सकती थी वो कम कितना लगाएगी विदेशी तय करते थे विदेशी ने उनका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स ले लिया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स का मतलब है उसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रातीत अधिकार क्षेत्रातीत अधिकार में क्या होता कि कोई बाहर की शक्ति किसी देश में अपना क्षेत्रातीत अधिकार कायम कर लेती और उसका मतलब है कि उस क्षेत्र में अब उस देश के सामान्य प्रजा या नागरिक भी नहीं जा सकते क्योंकि अगर उस क्षेत्र में जाना है तो उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी संबंधित पावर से और अगर जा भी सकते तो लेबर के रूप में जा सकते या उसके स्लेव्स के रूप में जा सकते वर्कमैन के रूप में जा सकते लेकिन वो फ्री सिटीजन के रूप में नहीं जा सकते अब समझ सकते हैं चीन के अंदर राज्य के अंदर राज्य बन गया तो पांच पांच छः छः पावर मिलकर चीन को कंट्रोल कर रहे थे सबसे दुखद बात हुई कि लास्ट में तो उन लोगों ने फॉरन शक्तियों ने नारा दे दिया वॉर ऑफ कंसेसन शुरू हुआ एक उनका रेलवे का राइट ले लेते थे छीनते थे दूसरा उनसे कोशिश करते थे कि हम इस दौर में उनसे अमुक कॉन्ट्रैक्ट ले लें दूसरा चाहते थे कि भाई हमारे हाईवेज बनाने का राइट हमें मिल जाए और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जापान जिस तरह से वेस्टर्न पावर्स ने चीन को कोलोनाइज किया था चीन का औपनिवेशीकरण किया था उसी प्रकार से जापान का भी औपनिवेशीकरण किया था लेकिन चीन और जापान की प्रतिक्रिया अलग अलग रही चीन का पता नहीं चीन के जो हुक्मरान थे वो अपने आप को पश्चिमी देशों से सिर्फ समझते थे इसलिए उनकी पद्धति को नकल करना ये मुनासिब नहीं समझते एक दो बार इन्होंने कोशिश भी की लेकिन ये बहुत सफल रूप में उसकी कोशिश नहीं कर सके जापान का रास्ता अलग था जापान डिसाइडेड टू यू कैन सी अप्रोप्रिएट द सेम वेस्टर्न मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जस्ट राइट टू यू कैन से एडॉप्ट द वेस्टर्न मॉडल ऑफ यू कैन से आर्मी एट्सेटरा एंड जस्ट यू मज टू बी अ कलोनियल पावर इट्सल्फ जापान को देखकर आपको आश्चर्य होगा कभी हम जापान की चर्चा करेंगे कि जापान एक उपनिवेश से तो शुरू हुआ था लेकिन उसने देखते देखते अपने आप को एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में ढाल लिया था अब एक आपको इतिहास में आश्चर्य यह दिखेगा मैं आपको बताता हूँ तो मैं मैप लाता हूं तो आपको मैप कर देखिए अब ये है मैप पर जापान आप जरा सोचिए ये हुआ ताइवान यह है जापान यह है चाइना इसको अगर आप छोड़े तो यह है चाइना अब इसमें आप जरा गौर करके देखें कि जापान की हैसियत चीन के सामने उसका भौगोलिक आकार क्या है खोजना मुश्किल है लगता है इंडिया के समानांतर लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार हो लेकिन इतिहास में जापान ने चीन को इतना पीटा है एंड इतना एक्सप्वाइट किया है मतलब चाइना वॉज सब्जेक्टेड टू और यू कैन सी अनरिस्ट्रिक्टेड कॉलोनियल एक्सपॉक्टेशन बाई जापान बाई जापान एंड जापान वॉज करेक्टराइज एट डेंजर बाई वेस्टर्न पावर्स जो पश्चिमी शक्तियां हैं दे जस्ट करेक्टराइज जापान एलो डेंजर उसको एल्लो डेंजर बोलते थे पीला खतरा मतलब वो उनको लगता था कि भाई एशियन पावर भी हमको इमिलेट करने की कोशिश कर रहा है एशियन पावर भी अब कॉलोनाइजर हो रहा है एक समय तो चाइना में ऐसा आया कि इन विदेशी शक्तियों ने नारा दिया चीनी खरबूजे को काटो कट ऑफ चाइनीज मेलॉन तो चीनी खरबूजे को काटो चीन एक एशिया का मरीज हो चुका था उसको इधर से काटू या उधर से काटू यह मुख्य मुद्दा था अगर चीन बचा रहा तो इट वॉज नॉट ड्यू टू द मैग्नेटी तय मतलब नहीं कर पाते थे उन्हें लगता था कि एक ज्यादा ले लेगा और हमारे शेयर कम पड़ेगा और एक मैं दिलचस्प बात बताऊ एटीन नाइनटी सेवन नाइन्टी एट में जब ये शक्तियां मिलकर चीन को काटना चाहते थे उसी समय एक अमेरिकन फॉरन सेक्रेटरी सेक्रेटरी था उसका नाम था हो उसने एक पॉलिसी दी थी जिसका नाम था ओपन डोर पॉलिसी ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है मुक्त द्वार की नीति उसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त द्वार की नीति यह थी कि भाई आप कोई भी पावर चाइल चीन के किसी एक पार्ट पर कब्जा करके दूसरी शक्ति को आने से नहीं रोक सकता है मतलब चीन को ओपन रखना पड़ेगा आप सभी मिलकर उसको यूज़ करिए लेकिन कोई किसी के लिए रास्ता बंद मत करिए सो माय स्टूडेंट्स बी सरप्राइज टू नो दैट कि चाइना बिकेम प्रेजेंटेड अ वेरी यूनिक मॉडल ऑफ कलोनियल कॉलोनी विच वॉज बींग एक्सप्लाइटेड

वह भी इससे निकलने का बार बार प्रयत्न कर रहा है तो मैं इस क्रम में आपको कुछ घटनाएं के बारे में बताना चाहता कि चीन की प्रतिक्रिया भी यानी चाइना रिएक्शन समय समय पर व्यक्त हो रहा है टाइपिंग विद्रोह एक नाम है टाइपिंग रेवेलियन 1851 से 64 तक चला था ये किसानों का विद्रोह था चीन किसानों का देश है लगभग 85 परसेंट लोग गांव में बसते थे और ये किसान विदेशी शोषण के समय समक्ष सबसे अधिक एक्सपाइटेड होते थे इन्होंने रिवोल्ट किया और यह सेंट्रल चाइना से शुरू हुआ साउथ और नॉर्थ चाइना तक फैल गया यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवेलियन था एक मुझे आश्चर्य की बात यह लगती है कि हिस्टोरियंस ने जब इतना सारा कुछ काम किया है तो 1857 के रिवोल्ट और टाइपिंग रेवेलियन का अभी तक कोई अच्छा स्टडी दोनों के कम्बाइन में मुझे नहीं मिला है आई एम माई सेल्फ इज़ क्यूरियस आई एम नॉट हैविंग द टाइम टू डू द रिसर्च वर्क लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग जो रिसर्च वर्कर हो गए और वर्ल्ड हिस्ट्री के किसी पार्ट पर रिसर्च करना चाहोगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि टाइपिंग रेबेलियन और ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 इन दोनों को मिलाकर जरा रिसर्च करिए तो ये अच्छा होगा और अगर एक मार्केट में एक अच्छी बुक भी आ जाएगी और इस पर काम बहुत ज्यादा हमें दिखा नहीं एक दो जगह थोड़ा सा रेफरेंस दिखा है लेकिन हमें अप टू मार्क काम कहीं नहीं मिला है इस पर तो ये टाइपिंग रेवेलियन अब उसके बाद उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया उसको कहते हैं आत्मसवलीकरण आंदोलन उसको बोलते हैं सेल्फ स्ट्रेंथेनिंग मूवमेंट सेल्फ स्ट्रेंथेनिंग मूवमेंट का मतलब यह हुआ कि हम चीन को अंदर से मजबूत करेंगे और इस ये लगभग नाइन्टीन सेंचुरी के एंड में चला था ये मूवमेंट थोड़ा यूनिक था क्योंकि इसमें वेस्टर्न पावर से चीन को सपोर्ट कर रहे थे बेसिकली इट वॉज नॉट अ पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द फॉरनर्स रेदर इट वॉज ए सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल मूवमेंट हुज ऑब्जेक्टिव ऑज टू मॉडर्नाइज चाइना मतलब चीन का हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं और पश्चिमी शक्तियाँ कह रही थी कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं आधुनिकीकरण करने में लेकिन एक पूरा प्रोग्राम फ्लॉप हो गया इसमें जो भी थोड़ा सा शस्त्रागार बने या कुछ स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने भेजा गया वो एजुकेशन या फिर कुछ जो भी प्रयोग किए गए प्रयोग सफल नहीं रहे और सबसे बढ़कर चीन में जो रीजनल पैटियार्स थे रीजनल का मतलब है कि जगह जगह जो रीजनल जो सरकारें थी वो धीरे धीरे अपने आप को सामंत की तरह उसको वार लॉर्ड्स कहते हैं वो किंग की पकड़ से निकलकर और ऑटोनोमस बन गए वो बहुत पावरफुल हो गए खासकर जो नॉर्दर्न चाइना है उसमें बड़े बड़े वार लॉर्ड्स अस्तित्व में आ गए मंचू वंश कमजोर हो चुका था और वे अपने आप को स्वतंत्र व्यवहार करने लगे तो चीन की स्थिति बड़ी खराब हो गई और इस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन में केवल वेस्टर्न पावर से ही चीन मात नहीं खाया जापान जैसे एक छोटी स्टेट के हाथों पीटा गया यह चीन के लिए बहुत बड़ा अपमान था और चीन इसे समय समय पर इसकी प्रतिक्रिया दिखा रहा था एक आपको बॉक्सर रिवोल्ट देखने को मिलेगा वो नाइनटीन सेंचुरी के एंड में रिवोल्ट हुआ था इट वॉज इट इट इज़ करेक्टराइज एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इसको पहला राष्ट्रवादी मूवमेंट कहते हैं बॉक्सर नाम क्यों आप जानते हो कि बॉक्सर यानी बॉक्सिंग तो चीन में तो आप जानते हो कि चीन में मार्शल आर्ट का तो बहुत पहले से प्रचलन रहा है तो ये बेसिकली किसान रिवोल्ट ही था लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मार्शल आर्ट में निपुण थे तो वो विदेशियों पर हमला कर देते थे एंड ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का रूप लेता चला गया लेकिन बॉक्सर रिवोल्ट की समस्या का समाधान नहीं ला पाया क्योंकि उन्हीं विदेशी शक्तियों ने इसे मिलकर दबाया और यही प्रकट किया कि हम चीन की सरकार की तरफ से दबा रहे एंड व्हाट एवर एक्सपेंडिचर दे डिड सो दे जस्ट शिफ्टेड द बर्डन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द एक्सचेकर ऑफ चाइना इन यही आश्चर्य की बात है जैसे हमारे यहाँ 1857 के रिवोल्ट को दबाने में ब्रिटिश को जो भी खर्च हुआ था वो भी हमारे अकाउंट पर ही खर्च डाल दिया था तो बॉक्सर रिवोल्ट को दबाने में इन पश्चिमी शक्तियों को जो खर्च हुआ वो चीन के अकाउंट पर ही डाल दिया तो चीन को निजात नहीं मिला अब आगे मैं कहता हूं चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन तथा चीन का प्रथम गणतंत्र यानी नेशनल मूवमेंट इन चाइना 1911-12। अब देखिए चूंकि चाइना है तो उसके नाम उनके वर्डिंग तो अलग है वो आपको थोड़ी सी समस्या दे सकती है जैसे एक टर्म आता है उसको बोलते हैं कोमिंगतांगमिंगतांग एक पार्टी थी दिस वाज अ पार्टी कोमिंगतांग चीन की पार्टी थी एंड हु फॉर्म द पार्टी इनका नाम था डॉक्टर सनिया डॉक्टर सन्यासी ने कोमिंगतांग दल बनाया पार्टी बनाई ये एक राष्ट्रवादी पार्टी थी इसने चीन के लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया इट वॉज़ द फर्स्ट मॉडर्न यू कैन से पोलिटिकल पार्टी एंड इट स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज द चाइना एंड एज इंडिया में कह सकते हो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत प्रॉस्पिरस था मतलब बहुत रिसोर्सफुल था और बहुत डोमिनेंट एंड बहुत प्रेस्टिजियस था ये स्थान तो हम चीनी कोमिंगतांग पार्टी की नहीं मान सकती लेकिन पार्टी पार्टी भी वहां की 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 एक नेशनलिस्ट तरह इमर्ज की। पब्लिक को को मोबिलाइज किया डूबते तिनके का सहारा पीपुल्स ने इनकी तरफ देखा क्यों क्योंकि उन्हें कोई चाहिए था रेस्क्यूअर जो उनको ड्यूएल एक्सपेक्टेशन से बचा सके एक तो मंचू से भी उनको प्यार नहीं था क्योंकि मंचू एक ऐसी डायनेस्टी थी जो डायनेस्टी कहीं ना कहीं मंचूरिया से आकर स्थापित हुई थी नॉर्थ से तो पता नहीं जो एवरेज चाइनीज थे वह उनको एक फॉरेनर मानते थे हालांकि मंचूज ने कोई फॉरेन रूस को वहाँ लागू करने की कोशिश नहीं की रेदर मंचूज ट्राई टू जस्ट यू कैन से डेवलप द दे ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ चाइना लेकिन फिर भी उनको फॉरेनर्स मानते थे तो एक मंचूज इनकॉम्पिटेंट भी थे फॉरेनर्स नर्स भी थे ऊपर से जो फॉरेन पावर है मिलकर फ्वाइट कर रहे थे तो पहले पीपुल्स सपोर्ट डॉक्टर सन्यासीन को मिला और डॉक्टर सन्यासीन ने एक मूवमेंट चलाया जिस मूवमेंट को कहते हैं नाइनटीन में ये नेशनलिस्ट मूवमेंट चाइन चीन का चला इसको मैं थोड़ा ये करता हूँ चीन में ये नेशनलिस्ट मूवमेंट चला राष्ट्रवादी मूवमेंट चला नाइनटीन एलेवन में और ये 1911 में चला और ये सक्सेसफुल भी हुआ क्योंकि जो 1912 है 1912 में उसमें जो अंतिम मंचू शासक है वो अंतिम मंचू शासक ने त्यागपत्र दे दिया मतलब उसने सरेंडर कर दिया अपने आप को एंड द लास्ट इम्पेर करके इस पर एक मूवी भी बनी है 1912 और इसमें जब लास्ट मंचू गए तो चाइना एक पहला रिपब्लिक यही चाइना बना दैट वॉज अ रिपब्लिक और ये रिपब्लिक ने तीन नारा दिया था रिपब्लिक का मतलब तो समझते हैं गणतंत्र गणतंत्र राजतंत्र से इस रूप में पृथक होता है कि राजतंत्र में कोई शासक होता है और कई बार क्या होता है कि राजतंत्र ही धीरे 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 राजा एक नाम मात्र का होता चला जाता है और शक्ति आ जाती है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में तो डेमोक्रेसी का रूप ले लेती है जैसा ब्रिटेन में है परंतु वो रिपब्लिक नहीं कहलाती है रिपब्लिक तब कहलाएगी जब उसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड होगा तो इसमें जो प्रेसिडेंट का पद सृजित किया गया और प्रेसिडेंट के पद को बनाया गया दैट वॉज एन इलेक्टेड पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट हे यू जस्ट कम टू नो तो रिपब्लिक बना और कितने में रिपब्लिक बना तो यू विल कम टू नो किया नाइनटीन हंड्रेड ट्वेल्व में रिपब्लिक बना लेकिन इसने तीन नारा दिया राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षतावाद और समाजवाद नेशनलिज्म सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म लेकिन ये डॉक्टर सन्यासिन चाहे ये रिपब्लिक समस्या का समाधान नहीं ला पाया चीन के लोगों को जो चाहिए था जैसे विदेशी शक्तियों को अपने मिट्टी से निकालना एक्सपॉर्टेशन बंद करना चीन में इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन होना वो सब कुछ भी नहीं हुआ और कुमिंगतांग पार्टी भी धीरे धीरे करप्ट होती चली गई भ्रष्ट होती चली गई और चीन की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया विशेषकर आप देखोगे कि जो फोर्थ मे और 1990 की घटना चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है आज भी इस चार मे को याद किया जाता है क्योंकि इस दिन एक मूवमेंट चीन में चला था उसको कहते हैं मे फोर्थ मूवमेंट और ये मे फोर्थ मूवमेंट क्यों चला था तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में जाना पड़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में इसलिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आप यू विल जस्ट कम टू नो कि विश्व इतिहास में आपको यह सूचना मिलेगी कि जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपने पेरिस शांति सम्मेलन का नाम सुना होगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो पावर थे एक थे एलाइड पावर्स दूसरे थे सेंट्रल पावर्स तो सेंट्रल पावर्स तो जर्मनी ऑस्ट्रिया और टर्की का यानी ऑटोमन साम्राज्य का था और जिसे आप एलाइड पावर्स कहते हैं उसमें ब्रिटेन फ्रांस पहले रूस भी था बाद में रूस क्रांति के बाद बाहर हो गया तो ब्रिटेन था फ्रांस था बाद में यूएसए ज्वाइन किया और इटली भी उसमें शामिल हुआ और फिर बहुत सारे उपनिवेशों का भी समर्थन मिला था जैसे इंडिया ने एलाइड पावर्स का समर्थन किया चीन ने किया था तो उसमें चीन की मांग यह थी कि पहले क्या था उसका एक शांतुंग क्षेत्र था जिस पर जर्मनी का कब्जा था तो चीन ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया था तो चीन ने कहा था कि भाई देखिए इस वॉर के बाद आप आपके शांतुंग का रीजन हमें ट्रांसफ़र कर देना ये डॉक्टर सन्यासिन की इच्छा थी और चीन ने तनमन धन से उसी तरह सपोर्ट किया जिस तरह इंडिया ने किया था अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पेरिस कॉन्फ्रेंस में क्या था कि उस वर्ल्ड वॉर में जापानियों को भी इन्वॉल्व कर लिया था क्योंकि जापान तो एक पावर था तो एलाइड पावर्स ने जापान से एक तरह से सीक्रेट एक ट्रीटी कर ली थी एक गुप्त समझौता कर लिया था और जापान ने डिमांड किया था कि जर्मनी से अब शांतियों को छीनने के बाद हमें दे दोगे अब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने वही किया वो जापानियों को ट्रांसफर कर दिया तो बड़ा ठगा हुआ सा चीनी लोगों ने महसूस किया सरकार की भी बदनामी हुई और मे फोर्थ मूवमेंट हुआ जो चीन के ये मे फोर्थ मूवमेंट अपनी परंपरा को तोड़ने परंपरा से अलग हटकर एक अलग तरह की क्रांति की बात इसने की तो यहाँ तक आपका देखते हैं कि आप दूसरे चरण आए और दूसरे चरण में आपने देखे कि चीन को निजात नहीं मिला अब आएगा थर्ड स्टेज और यह थर्ड स्टेज है इसको हमने नाम दिया है फर्स्ट रेवोल्यूशन तो आप लोगों के मन में यह होगा कि क्या पीछे की जितनी रेवोल्यूशन की चर्चा आपने की क्या वो फारस था नहीं दैट वॉज नॉट फारस इट वॉज ऑल्सो देयर लेकिन हम आपको यह कहना चाहते हैं कि हम अब आ रहे हैं कॉम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर जिस कॉम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी मनाई जा रही है और शताब्दी वर्ष आप लोगों ने एक जुलाई को देखा और जी ई शि जिनपिन ने या जी जिनपिंग ने जिसको बड़े ही हो होकर वर्ल्ड के सामने चीन की सफलता की घोषणा की चलिए अब हम इस कम्युनिस्ट पार्टी के होरोस्कोप को उलटते हैं इनकी कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं यह कैसी दुनिया में विशिष्ट हो गए जैसे फर्स्ट रेवोल्यूशन अब चीन में सामवाद की यात्रा तथा चीन में दूसरे गणतंत्र की स्थापना एक कहावत आपने सुनी होगी खरबूजी को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है उन्नीस सौ में सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई ओके तो सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई उसके बाद वहां पर एक साम्यवादी सरकार स्थापित हुई चीन सोवियत रूस का पड़ोसी था आप गौर करके देखेंगे जब जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडिया में भी आपने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना देखी एम एन रॉय ने की थी पहले फिर बाद में उसमें और भी लोगों ने इनिशिएटिव लिया था जिसमें श्रीपाद अमृत डांगे थे शौकत उस्मानी नलनीशेन गुप्त थे एम सिंगार वेलू थे कानपुर में तो उसी प्रकार से सबसे पहले चीन में नाइनटीन में एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और इसमें पहल की थी एक पेकिंग विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन हुआ करता था और जिसने सोवियत रूस के इस्लामाबाद का बहुत गहरा स्टडी किया था बहुत प्रभावित हुआ था उसका नाम था माउसेतुंग उसके साथ कुछ और भी थे लिली शॉन थे और कुछ और भी उसके कोलिग्स थे उन सबों ने मिलकर 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की अब देखिए अब जो ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है यह आज जो सिहनाद कर रही है उसकी वजह यह है उस समय दुनिया में बहुत सारे क्षेत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी बहुत सारे क्षेत्रों में यूरोप में भी बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी हर जगह कम्युनिस्ट पार्टी पिटी गई थी इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी कई बार बच्चे हमसे कहते हैं कि सर इंडिया के सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी की व्याख्या करिए लेकिन जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस है उसमें तो मुझे यही समझाने में बहुत बच्चों को समझाना पड़ता है भाई ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म क्या है खैर यहाँ मेरे इस विचार का विषय नहीं है हमारे प्रबुद्ध व्यूअर्स क्योंकि यहाँ पर अगर हम वर्टिकली कहीं जाएंगे तो हमारा लेक्चर पूरा नहीं हो पाएगा मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस मेरी इस मजबूरी को समझते होंगे और इस क्लास को कम से कम आप लोग एक जनरल क्लास नहीं बनाएंगे इस क्लास को आप बनाएंगे कि आपको मोटिवेट होना है पढ़ने के लिए और ओरिजिनल स्टडी करके अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस लिहाजा अगर आप देखेंगे तो चीन में और तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी तो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दो तीन समस्याएं थी एक यह थी कि जैसे अब संघीय व्यवस्था आपने अमेरिका की अपनाई जरा सोचिए यूएसए से आप प्रभावित हुए लेकिन आप एग्जैक्टली exactly यूएसए का अगर फेडरल सिस्टम इंडिया में लाना चाहते हैं एग्जैक्टली exactly आप स्विट्जरलैंड का लाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया का लाना चाहते हो तो आप सक्सेसफुल नहीं होते आपने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उसे तोड़ा और मरोड़ा लेकिन जो इंडिया के कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने देशी परिस्थितियों के अनुसार उसकी व्याख्या नहीं की चीन में जो माओसेतुंग है उसका सबसे बड़ा योगदान क्या है कि तो उसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की व्याख्या उसने चीन की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार की है उसने चीन की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की व्याख्या की देखिए अब मैं एक काल मार्क्स का एक पूर्वाग्रह बताता हूं काल मार्क्स के बारे में तो आपने सब कुछ सुन रखा है एक शब्द आप लोग मीनिंग जानते हो गए पोलिटेरियट प्रोले, या सरभारा नाम आप जानते होंगे और इसी पोलेटेरिएट का नाम है सर्वहारा। अब ये सर्वहारा का क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूं सर्वहारा का मतलब यह हुआ कि जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो तो काल मार्स को किसानों से बहुत पूर्वाग्रह था क्योंकि इससे पहले उसने एक दो पीजेंट्स के रेवोल्यूशन में देखा था कि पीजेंट्स के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है चाहे जो भी थोड़ी बहुत जमीन हो सीमांत किसान ही हो तो दे आर नॉट फिट फॉर दिस पोलिटेरियल रेवोल्यूशन क्योंकि उतना रिस्क नहीं ले पाते हैं उनकी जो निजी प्रॉपर्टी उनके हाथ बांध देती है तो उसका जितना भी रणनीति थी इस कॉम्युनिस्ट मूवमेंट का वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को लेकर वो रणनीति थी इंडस्ट्रियल वर्कर्स को यहाँ आधार बना बनाकर आपका रिवोल्यूशन करना पड़ेगा अब देखिए अब जो मार्क्सवाद यूरोपीय समाज के लिए तो अनुकूल था क्योंकि यूरोप में उस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था औद्योगिकरण हो चुका था लेकिन एशियाई समाज का तो वैसा औद्योगिकरण अभी हुआ नहीं तो एशिया में उनका मॉडल कैसे फिट बैठता तो एशिया में उनका मॉडल फिट नहीं बैठ रहा था अब पहली अब चीन कहीं देखिए 85 परसेंट यहां किसान है उसे अगर उस समय 90 भी कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और एक परसेंट इंडस्ट्रियल वर्कर्स है तो पहले माओ सेतु ने सोचा कि एक दो बार कोशिश भी की उसको मुंह की खानी पड़ी उसने सोचा कि इस इंडस्ट्रियल वर्कर्स को आधार बनाकर अगर हम रेवोल्यूशन लाएंगे तो हम वाकई में रेवोल्यूशन नहीं ला पाएंगे तो उसने सबसे पहला किया कि अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदल दी उसने कहा कि नहीं क्रांति होगी उसका आधार किसान होगा चीन में और जो क्रांति होगी वह गांव से नगर की ओर जाएगी नगर से गांव की तरफ नहीं आएगी इसका बहुत बड़ा योगदान है और एशिया में आज भी आप देखिए कि मार्क्स मार्क्सिज्म और लेलिनिज्म यानी मार्क्सवादी पार्टी लेलिनवादी पार्टियां इेलीवेंट हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग कोई ज़्यादा रेलिवेंस रहा नहीं लेकिन माओवाद अभी भी एशिया में छाया हुआ है यह इसकी व्यवहारिक रणनीति अब हमारे यहाँ के अब उधर आप मुझे मत छेरिए मैं उधर इंडिया वाले प्रॉब्लम में आऊँगा तो मैं फिर यहाँ अपने कम्युनिस्ट पार्टी की धजियाँ को उड़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसके सामने सबसे तो ग्रीन पास्चर क्या था था कास्ट लोअर कास्ट जिसको आप भारत इंडिया में जिसको आप मतलब जो बहुत सारे अनटचेबल्स थे जिसको असस कहते हो सस तो वो उन कास्टों को भी बेसिस बनाकर उन कास्ट को भी और पुअर पीपल को वर्कर्स को पेजेंट्स को लोअर कास्ट को सबको ऑर्गेनाइज करके कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ सकता था लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में मत नहीं हो सका दोनों के बीच मतभेद थ्रू आउट बना रहा और निम्न जाति के आंदोलन से कम्युनिस्ट यहाँ फायदा नहीं उठा सके खैर एनी तो खैर वहाँ पर वो सफल हो गया और सबसे बड़ी बात एक दो बात और उनके फेवर में जाती है इंडिया में जो मध्य वर्ग है वो बहुत सशक्त था चीन में वैसा नहीं था इंडिया में गांधी था अगर चीन में गांधी होते तो माओसेतु को काफ़ी महंगा पड़ जाता पब्लिक ओपिनियन को जीतने में क्योंकि गांधी कि जो रणनीति थी वो तो आप समझ ही रहे हो और तीसरी बात थी कि चीन पर जापानी आक्रमण हुआ तो जापान का आक्रमण होता तो मैं एक नेता का नाम अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है बताना भूल गया जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सेन थे तो डॉक्टर संयासेन उन्नीस में इनका डेथ हो गया अब आगे जो भी आप देखोगे चीन की सरकार की चर्चा होगी या कहीं पुस्तक में या न्यूज पेपर आर्टिकल में उनका नाम होगा चियांगकाई शेख तो डॉक्टर शनिया का डेथ हो गया अब चियांगकाई शेख है जो उनका उत्तराधिकारी है इंग्लिश में लिख देता हूं चियांग शॉर्ट में हम चियांग कहेंगे चियांकाई शेख ये उनका उत्तराधिकारी था दूसरी तो क्या हुआ कि जब जापान का आक्रमण हुआ तो जापान के आक्रमण के समय क्या होता कि जापान तो बहुत एग्रेसिव और बहुत पावरफुल कंट्री उस समय था चीन उसका मुकाबला नहीं कर पाता चीन पीछे हटने लगता चीन की सरकार चंगकाई से की सरकार तो जहाँ वैक्यूम हो जाता खालीपन हो जाता वहाँ पर खुद जाकर माओ सेतुंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ग्रासरूट लेवल पर किसानों के बीच घुसकर जिसको पता नहीं कर सकते थे अपना जनाधार का विस्तार करते रहे इसका भी उनको फायदा मिल गया तीसरी बात मैं कहता हूं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा ही फ्लेक्जेबल रुख था फ्लेक्जेबल रुख इतना है कि देखिए इसने अमेरिका से भी दोस्ती की जबकि अमेरिका पूंजीवादी था आज आप यूएसए और चाइना के बीच का विरोध देख रहे हैं एक समय था कि दोनों के बीच बहुत द पीरियड ऑफ हनीमून था एंड दिस पीरियड एग्जिस्टेड बिटवीन नाइनटीन टू नाइनटीन इस बीच इन दोनों का हनीमून पीरियड था एक समय था कि जी की बात की जा रही थी जी का मतलब यूएसए एंड चाइना लेकिन क्योंकि यह इस मामले में बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है यह जब देखता है कि हमें स्थिति मजबूत करनी है तो अपने विरोधियों के साथ भी समझौता कर लेता है तो क्या हुआ कि चियांगकाई जैसे ये जो इस इस सरकार का नाम है जो सरकार मैं आपको बता रहा हूं उसका नाम है कोमिंगतांग सरकार ध्यान रखना क्योंकि दल इनका पार्टी का नाम है न, उसका नाम है कोमिंग तांग तो मैं जब भी कोमिंगतांग सरकार कहूंगा तो आप इसका मतलब समझ लेना तो कोमिंगतांग सरकार के साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सहयोग की नीति अपनाई कब से कब तक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह नीति 1916 से 1960 से और 1927 तक एक मिलीजुली सरकार चीन में रही और कोमिंगतांग पार्टी के साथ मिलकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने काम किया उसका भी फायदा इसको मिल गया और उसमें उसका फ़ायदा चीन की सरकार को भी मिला क्योंकि बहुत सारे उत्तर में वार लॉर्ड्स थे मैंने कहा वार लॉर्ड्स का मतलब है युद्धरत सामंत थे तो वो तो सब सभी के वह वे जो वो थे वो तो सभी के शत्रु थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के भी शत्रु थे वो कोमिंगतांग दल के भी शत्रु थे तो उन दोनों ने मिलकर उनका सफाया किया और चीन का उत्तरी पूरे उत्तर के वार लॉर्ड्स को पराजित कर और फिर उन्होंने चीन का यूनिफिकेशन किया यहाँ तक तो दोनों का योगदान रहा लेकिन फिर अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अधिक समय तक कोमिंगतांग पार्टी के साथ नहीं चल सकती थी क्योंकि दोनों के लक्ष्य अलग अलग थे तो 1927 में इन दोनों का जो हनीमून का पीरियड था जो कोऑपरेशन का पीरियड था ओवर हो गया और फिर किसी मुद्दे पर मतभेद हुआ और च्यांकाई शेख की सरकार ने कॉम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को अपने कुमिंगतांग पार्टी से एक्सपेल कर दिया गवर्नमेंट से भी बाहर कर दिया तो अब कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रास्ता स्वयं अपनी क्रांति को डिफाइन किया जनाधार बनाया कियांगसी प्रांत को इसने एक प्रांत था चीन में उसका नाम थोड़ा टेढ़ा मेरा लगेगा उसका नाम था कियांगसी प्रांत तो क्यांगशी प्रांत में उसने जनाधार बनाया वहाँ भी उसने एक व्यावहारिक रणनीति अपनाई क्योंकि होता क्या है कि सोवियत रूस का जो कम्युनिज्म था उसका बल था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नष्ट कर दीजिए अब माओसेतुंग ने सोचा कि देखो हमने जमींदारों की भूमि तो छीननी है लेकिन अगर हम वो भूमि को किसानों के भी सामूहिकीकरण कर देंगे तो फिर किसान उसे खुश नहीं होंगे उनका सपोर्ट हमें शायद नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रति तो सब सबको थोड़ा सा आकर्षण होता है तो उसने क्या किया, किया कि जमींदारों से भूमि छीनी परंतु किसानों के बीच बांटा इसका भी फायदा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को मिल गया खैर चलिए अंत में जो जापान का आक्रमण हुआ तो जहाँ जहाँ कोमिंगतांग की सरकार पीछे हटी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उसको भरना शुरू किया क्यांगसी प्रांत में जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का आधार बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया तो च्यांगई से डर गया और सबसे आश्चर्य की बात आपको यह लगेगी कि जापानियों से बड़ा खतरा वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और माओसेतुंग को समझने लगा तो इसलिए उसने क्यांगसी प्रांत में चीन माओसेतुंग के अगेंस्ट में माओसेतुंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सीसीपी बोलते हैं उसका जो शॉर्ट फॉर्म जो नाम है वो मैं आपको बताऊंगा सीसीपी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लेकिन शॉर्ट फॉर्म है सीसीपी, तो सीसीपी के अगेंस्ट में उसने पाँच लाख सोल्जर्स भेजे उसमें सीसी के पास अपने जो वॉलेंटियर्स थे वो एक लाख थे तो जब ये सेना पहुंची और जब उन उनके वॉलेंटियर्स को मारने लगी तो लगभग 50,000 मारे गए। अब लगा सीसीपी का सफाया हो जाएगा उस समय माओसेतु ने बड़े साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया उसने डिसाइड किया हमें क्यांगसी प्रांत छोड़ देना है और क्यांगसी छोड़कर 6,000 मील की यात्रा तय करके कॉम्युनिस्ट घाटियों को पार करते हुए कई माउंटेंस को पार करते हुए नॉर्थ वेस्ट में सेंसी प्रांत में चलकर उन्होंने अपना जनाधार बनाया तो इस घटना का इतिहास में इसलिए महत्व तो है क्योंकि चीनी लोगों में उस उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई उसे वैधता मिली चीनी लोगों ने सोचा कि ये सच्चे राष्ट्रवादी हैं हर स्थिति में भी इन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा और कम से कम इन्होंने किसी भी विपत्ति में घुटने नहीं टेके तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति चीन के लोगों में सम्मान की भावना बढ़ती गई ंग टूरी इंपॉर्टेंट थी अब सोवियत रूस भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा क्योंकि सोवियत रूस की जो रणनीति थी इसको तो इसने छोड़ दिया था वहां पर स्टालिन बैठा हुआ था स्टालिन चाहता था कि आप औद्योगिक श्रमिकों को आधार बनाकर क्रांति छेड़िए और माओसेतु ने बिल्कुल कहा कि नहीं हम किसानों को बेस बनाएंगे तो कुल मिलाकर जो सोवियत मॉडल ऑफ रेवोल्यूशन है उसे तो चाइना हट चुका था चलिए फिर भी सोवियत रूस उसको जहां तक संभव हो सके सहायता कर रहा था अंत में फिर क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चूंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जापानी ने जो चीन पर हमला किया था तो शायद आप लोग अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर आपने जाना होगा तो आपको पता चल जाएगा देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ पहले जो जापानी है उसने चीन पर हमला किया और चीन को धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया लेकिन 1941 में यही जापानियों ने अमेरिका के जो नौ सैनिक अड्डे थे पर्ल हार्बर उस पर अटैक कर दिया तो अब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद गया और फिर जापान और चाइना का केस भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा हो गया तो चार वर्ष तक तो पूरे उसके बाद नाइनटीन के बाद फिर वॉर चलते रहे नाइनटीन फोर्टी में जब यूएसए ने हीरो और नागा पर परमाणु बम गिराए और तब जापान ने जब सरेंडर किया फिफ्टींथ अगस्त 1945 को तो चीन के आधे से भी ज़्यादा भूभाग पर जापानियों का कब्जा हो चुका था तो वही जापानी खाली करने लगे क्योंकि अब जापान को पीछे हटना था बिकॉज दे जापानीज ए सरेंडर सो दे वे आर विद्रोइंग फ्रॉम द रीजन एंड देन बोथ द पार्टी लाइक द कोमिंगतांग पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी बोथ रश टू फिल अप द गैप उसी में दोनों के बीच आप देखेंगे 1945 में जब जापान 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया और वहां से लेकर 1949 तक जब चाइनीज रिपब्लिक की घोषणा हुई अब कहोगे एक रिपब्लिक हो तो विफल रिपब्लिक निकला अब ये दूसरा रिपब्लिक है चाइनीज रिपब्लिक जो माओसेतुंग बनाएगा वन अक्टूबर रिपब्लिक वन अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर 1949 को फर्स्ट अक्टूबर 1949 को इसने घोषणा की इन चार वर्षों में घमासान युद्ध हुए चैंकाई शेख के पास पावर ज्यादा था उसके पास अपनी सेना उसके पास लगभग चैंकाई शेख के पास 40 लाख सैनिक थे और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने किसानों को मिलाकर वॉलेंटियर्स दस लाख बनाए थे लेकिन इसको किसानों का बहुत समर्थन प्राप्त था जो पीजेंट्स उसका सपोर्ट गहरे रूप में इसे प्राप्त था तो इसलिए इसने जैसे आप पीजेंट सपोर्ट करते तो पीजेंट सपोर्ट के कारण इसकी जीत होती गई इट वॉज नाउ कम्युनिस्ट पार्टी वॉज ग्रेजुअली एडवांसिंग एंड द गवर्नमेंट ऑफ दिस चैंकाई शेख इट वॉज रिट्रीटिंग बैक तो ऐसा हुआ कि माओसेतु इनको पूरी चीन से खदेड़ते हुए खदेड़ते हुए वो पीछे हटते हुए कोमिंग पार्टी और देखो ये छोटा सा ताइवान हद हो गई आप अगर छोटा सा ताइवान को देखोगे चीन के समक्ष हद हो गई इतनी छोटे से क्षेत्र में 50 लाख लोगों को लेकर वहां चिया गया और वहां की जनसंख्या उस समय मतलब दो करोड़ थी और उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया उसके बाद यहाँ पर आकर चैंगाई शेख ने अपनी सरकार अपने कोमिंगतांग सरकार की घोषणा कर दी अभी छोटा सा क्षेत्र आपको मैप पर अगर दिख रहा होगा जो ये मैंने ब्लैक से घेर दिया है अब माओसेतु के लिए बाएं हाथ का खेल था कि वह इस क्षेत्र से उनको भगा देता जब पूरे मेनलैंड ऑफ चाइना से उन्होंने खदेड़ दिया तो इससे खदेड़ना कितना मुश्किल था लेकिन तब तक शीत युद्ध आरम्भ हो गया था कोल्ड वॉर आरम्भ हो गया था और यूएसए बिल्कुल ही चैंकाई शेख की सरकार को बचाना चाहता था चीन के अगेंस्ट में उसका एंटी कमिटर्न पॉलिसी थी उसने तुरंत अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला उस पर दे दिया और चीन को एक तरह से चेतावनी दे दी कि आप आप ताइवान की तरफ बढ़ने की कोशिश मत करना क्योंकि वो पहले ही हाथ आजमा चुका था परमाणु हथियार का तो दुनिया की सारी शक्तियाँ उस समय डर रही थी तो इसीलिए आप देखोगे आज भी ताइवान अपना अस्तित्व बनाकर रखा हुआ है तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि रिपब्लिक की घोषणा एक 1949 को हुई। अब यहां पर देखिए तो ये मैंने फर्स्ट स्टेज सभ्यता से एशिया यहां पर हमने दिया थर्ड स्टेज मैंने आपको बताया कि माओ से तुम अच्छा हाँ अब थर्ड स्टेज पर आते हैं मैंने अभी तक आपको सेकेंड स्टेज बताया था सेकेंड स्टेज में चीन की प्रतिक्रिया और फिर मैंने आपको थर्ड स्टेज बताया चीन में साम्यवाद की यात्रा तथा चीन में दूसरे गणतंत्र की स्थापना लेकिन अब माओसेतुंग जब सत्ता में आया तो किसी किसी को देखो कि बहुत अच्छा डायरेक्टर होगा लेकिन बहुत अच्छा एक्टर नहीं ये बात कुछ ना कुछ लागू हो जाती है तुंग के ऊपर तुंग वॉज अ वेरी सक्सेसफुल रिवोल्यूशनरी ही कुड हैव इस्टेब्लिश्ड अ कॉम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन चाइना इन द यू कैन से मोस्ट एडवर्स कंडीशन अगर आप किसी भी क्रांतिकारी को देखोगे अगर वियतनाम के होची मिन को अपवाद में रखें तो इतनी विपत्तियां किसी भी ने भी नहीं झेली होगी जितनी चैंकाई शेख ने झेली और अपने विल पावर को दिखाया उसने लेकिन वेर एवर देर इज अ क्वेश्चन ऑफ द नेशन बिल्डिंग तो उसमें ये फिट नहीं बैठा क्योंकि इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल रही वैसे मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा हमें आड़ यह आएगा कि अगर आपको कॉम्युनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल का ज्ञान होगा तो मेरे लिए काम आसान हो जाता मैं देखो मेरा जो प्रिंसिपल है उस बात को आप याद रखो इस थियोरी को आज या कल आप मानोगे मेरा इसमें बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है कि ज़्यादा जानना सरल है और कम जानना कठिन है कोई अब देखिए नाइनटीन में उसका सेंटेनिस सेलिब्रेशन हुआ तो कोई बच्चे नाइन्टीन में शी जिनपिंग के बारे में लाख पढ़ लिया डिक्टेटर है ये उसने अपने पावर को सेंट्रलाइज किया है माओ से तुंग से भी की तरह वो भी एम्बिशन है एंड ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू गिव अ न्यू टर्न टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड ही वॉज जस्ट यू कैन से ट्राई टू रि री एस्टेब्लिश चाइना एट द सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड ये सारी चीज़ों पढ़ेगा लेकिन फिर भी कुछ अनकहा रह जाएगा जो पीछे की कहानी क्लियर नहीं अभी मैं जब चीन चीन की इकॉनमी के बारे में हमें डिस्कस करना होगा तो दो चीजें हमें आगे आएगी जहां मेरे हाथ बंधे हुए एक तो हमारे इन व्यूअर्स को सोवियत रूस की क्रांति और सोवियत रूस की क्रांति के बाद जो लेलिन का एक्सपेरिमेंट था इकॉनमी का और फिर स्टालिन ने जो अपना कलेक्टिवाइजेशन का मॉडल और फाइबर प्लान का मॉडल स्थापित किया उसकी समझ हो अब मुझे पता नहीं कितने किसमें बहुत सारे व्यूअर्स को होगी लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं भी होगी तो वैसे व्यूअर्स उबकर वो हट जाएंगे कि पता नहीं सर क्या बोल रहे लेकिन अब हमारी मजबूरी यह है कि जब खिड़की खोलना है और घूंघट हटाना है तो कहीं ना कहीं हाथ तो लगाना पड़ेगा आप बाद में सोवियत रूस का भी देख लेना फिलहाल आप इतना जानो कि स्टालिन ने एक इकोनॉमिक मॉडल स्टेब्लिश किया था मार्क्स एक समाजवादी था एक क्रांतिकारी चिंतक था लेकिन कार्ल मार्क्स के पास कोई ब्लू प्रिंट नहीं था कि जब सरहारा का तानाशाह होगा सरहारा वो मानकर चलता था क्रांति होगी और आफ्टर द दे रेवोल्यूशन देयर वुड बी द डिक्टेटरशिप ऑफ पोलिटीरेट क्लास पोलिटीट क्लास का डिक्टेटरशिप होगा और शरवहारा प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करेगा इन कैसे करेगा उसमें गवर्नमेंट का टाइप क्या होगा नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा इसके बारे में मार्क्स वॉज गोइंग तो टू बी टोटली साइलेंट अब जो भी सोवियत रूस को करना है वो पर्सनल एक्सपेरिमेंट से करना है सोवियत रूस ने पर्सनल एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीज़ें की सोवियत रूस ने उसमें जैसे स्टालिन ने लेलिन ने अपना प्रयोग किया अब वो मैं नहीं बता सकता अब स्टालिन ने अपने प्रयोग करके पूरे लैंड को कलेक्टिवाइज़ किया कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम समाप्त करते हैं और जो लैंड है उस लैंड को हम कलेक्टिवाइज़ करते हैं अब किसान के पास इंडिविजुअल जमीन नहीं होगी एक सामूहिक होगी और वो एक सामूहिक खेती होगी और उसकी उपज सब आपस में बटेगी और उसका मुनाफा सभी मिलजुल कर यूज करेंगे तो ये समाजवादी लक्ष्य पूरा होगा उसी के बाद उसने सोचा कि देखिए अगर सोवियत रूस को आगे बढ़ना है तो हमें फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा तीव्र औद्योगिकरण करना होगा और उस तीव्र औद्योगिकरण करने में चूंकि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो उसको डर था कि मशीन तो हमारे यहां तो पश्चिमी देश बेचेंगे नहीं तो पहले हमें मशीन का उत्पादन करना होगा और मशीन के उत्पादन करने के बाद फिर हमें सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करना पड़ेगा तो लेलिन ने ही नारा दिया था मशीन फॉर मशीन से और सबसे पहले उन्होंने उद्योग स्थापित किए थे उसको कहते हैं हेवी इंडस्ट्रीज या पब आप आप उसको कहोगे कि आ जैसे पब्लिक गुड्स इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज के दो प्रकार होते हैं तो जो पब्लिक गुड्स इंडस्ट्रीज होती है वो हेवी इंडस्ट्रीज होती है वो मशीनें पैदा करती है और मशीनें फिर दूसरे जनरेशन के उद्योगों को इस्टेब्लिश करने में सहायता करते हैं और तब कंज्यूमर गुड्स पैदा होता है और कॉमन पीपल तक पहुंचता है तो पब्लिक सेक्टर आप जो देखोगे जो हाँ पब्लिक गुड्स इंडस्ट्रीज है तो ये बेसिकली जो हेवी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होते हैं ये मॉडल सोवियत रूस ने डेवलप किया था कि हमें बहुत बड़े बड़े भारी उद्योग बनाने हैं आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन पहले करना है और उसको करने के बाद फिर से कंजीन इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना है तो उसका जो मॉडल था उसको इंडिया ने अपना लिया लेकिन ये जो माउसीतों की गवर्नमेंट है वो पीछे हट गई उसने कहा कि देखिए अगर हम इस मॉडल को अपनाते हैं तो जीवन भर हमें सोवियत रूस के इकोनॉमिक आर्थिक सहायता पर डिपेंड करना पड़ेगा और फिर सोवियत रूस के तकनीशियन पर निर्भर रहना पड़ेगा तो उसने अपना एक माओ सेतुंग ने अपना एक नया आर्थिक मॉडल अपनाया उसने कहा कि देखो चूंकि वो जो उनके जो हेवी इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट था या पब्लिक गुड्स इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट की खामियाँ थी कि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता था इंडस्ट्रीज को बनने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था लेकिन उससे रोजगार संवर्धन कम होता था इम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होता था तो इसने मॉडल अपनाया कि चीन का इकोनमी का बेस एग्रीकल्चर होगा हम कृषि को उसका बेस बनाएंगे और उसने क्या किया, किया कि नाइनटीन तक कृषि का सामूहिकीकरण कर लिया लेकिन सोवियत रूस में सामूहिकीकरण जो हुआ था कलेक्टिवाइजेशन सामूहिकीकरण का मतलब है निजी भूमि की संपत्ति को समाप्त करके उसको सामूहिक संपत्ति में ले आया और इंडिविजुअल किसान की प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया लेकिन यह प्रक्रिया सोवियत रूस में बहुत खून खराबी के बाद अपनाई गई थी और इसने एक तरह से समझा बुझा कर यह काम कर लिया तो चलो ये तो बड़ा अचीवमेंट इसका हुआ लेकिन इसने कहा कि देखिए हमें सोवियत रूस वाला मॉडल पहले उसने भी इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू किया 1953 में उसने पहली इकोनॉमिक प्लानिंग भी शुरू की और हेवी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए पब्लिक आप देखोगे अब उस तरह की इंडस्ट्रीज़ को इस्टब्लिश करने के लिए वो आगे बढ़ा लेकिन फिर उसका विश्वास डगमगा गया उसने उस मॉडल को छोड़ दिया और अपना नया मॉडल विकसित किया कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बेसिस होगा और जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वर्कशॉप हैं छोटे इंडस्ट्रीज और वर्कशॉप इसके सप्लीमेंट्री या पूरक के रूप के रूप में भूमिका निभाएंगे चलिए? लेकिन मैं अफसोस यह रहा कि ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किए इंडस्ट्रियलाइजेशन का इकोनॉमी का वो सब फ्लॉप कर गया और सबसे बढ़कर इसने एक बड़ा विवादास्पद पॉलिसी आरंभ कर दी थी 1958 से लगभग 1963 तक चली और इस पॉलिसी का नाम था द ग्रेट लिप फॉरवर्ड द ग्रेट लिप फॉरवर्ड पॉलिसी द ग्रेट लिप फॉरवर्ड पॉलिसी अब यह पॉलिसी मौसेतुम का सबसे बड़ी विफलता थी इसमें इसने कॉन्सेप्ट दिया कि सभी मिलजुल कर खेती करेंगे और प्रत्येक घर के पीछे लोग एक, एक अपना इस्पात उत्पादन के लिए छोटा छोटा वर्कशॉप बनाएंगे और प्रत्येक घर प्रोडक्शन में लगेगा सबके काम के घंटे भी तय कर दिए गए काम भी निर्धारित कर दिए गए लेकिन यह एक ऐसा ऑटोक्रेटिक सिस्टम हुआ जिस सिस्टम में लोगों से बहुत ज़्यादा काम कराया गया बहुत ज़्यादा बर्डन उस पर हुआ इकोनॉमी का ग्रोथ भी नहीं हुआ लोगों ने सफ़र किया इसमें लगभग बताया जाता है कि तीन से चार मिलियन लोग चीन में मर गए इस घटना के बाद द ग्रेट लिव फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण और इसको कहा कि भाई एक हम सोशलिस्ट मैन बनाना चाहते हैं समाजवादी इंसान बनाना चाहते हैं कभी अगर आपको क्लास ट्वेल्थ का जो एन बुक दी गई है उसके लास्ट में जाओगे उसमें दिया हुआ ग्रेटली फॉरवर्ड पॉलिसी उसकी दी हुई है संक्षिप्त में दी हुई है बहुत उससे ज़्यादा आपको जानना भी नहीं चाहिए उसके बाद फिर इसके आगे की घटना उसने क्या किया उसको कहते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन ये तो आधी चीज़ है इसके आगे आप देखोगे एक उसने जो डिसीजन लिया है वह कल्चरल रेवोल्यूशन कल्चरल रेवोल्यूशन और ये उसका लगभग अमूमन एक दशक तक चला वैसे 69 से भी ले सकते हो 66 से ही विद्वान लेते हैं लेकिन आप मान के चलिए कि 1966 या 1969 से शुरू हुआ और 76 तक चला टिल उसके डेथ तक अब ये कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था आप जानोगे तो एक्चुअली दो बातें हुई एक तो इसका ग्रेटली फॉरवर्ड पॉलिसी फेल किया तो उसके विफलता के कारण इसके पार्टी के अंदर इसकी आलोचना होने लगी तो अब ये डर गया इसको यह लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अगेंस्ट में विद्रोह हो जाए नंबर वन नंबर टू कि उसमें सोवियत रूस में एक बड़ा परिवर्तन आया था क्योंकि अटैच है सोवियत रूस से नाइनटीन में जब वहां स्टालिन का डेथ हुआ तो उसका उत्तराधिकारी बना था खुष्यो। तो खुष्यो ने ने पर एक बड़ी अजीब बात की थी स्टालिन के लेगेसी से अपने आप को अलग कर खुशियो खुशियो नेटालिन माउसेतु का ही भयानक रूप था आप मानकर चल सकते हैं मतलब इससे भी थोड़ा सा बड़ा वहां पर 50 लाख लोगों को उसने निर्वासित किया था 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतारे थे तो खुर्सियो ने उसका क्रिटिसिजम शुरू कर दिया तो इस बात से ये डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद मेरी लेगेसी को ऐसे ही डिनाई कर जाए हमारे सक्सेसर्स जिस तरह से स्टालिन के लेगेसी को डिनाई किया गया है तो इस डर से उसने कल्चरल रिवोल्यूशन चलाया और जिसका उद्देश्य यह था कि हम लोगों में समाजवाद की विचारधारा फैलाएंगे बहाना था समाजवाद की विचारधारा लेकिन अपना पर्सनालिटी कल्ट फैलाया जिसमें मौसेतु की उपलब्धियों का गुणगान हो मौसेतु की उपलब्धियां चीनी लोगों के मस्तिष्क में इतनी अमिट हो जाए कि चीनी लोग इसे कभी भूल नहीं सके तो इस प्रकार से इनका यह प्रोग्राम था यह फ्लॉप हुआ अंत में चलिए राजा अपनी प्रजा से और प्रजा अपने राजा से मुक्त हो गया जैसा कहा गया था यह भी एक किंग ही था ही वॉज द प्रेसिडेंट ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कॉम्युनिस्ट पार्टी बट इन प्रैक्टिस दिस वॉज द वन मैन रूल इन वन सेंस तो उसके बाद इसका एंड हुआ इसका डेथ हुआ तो so, इसके समय बहुत लोग सफर किया था अब देखो देंग चिओपिंग एक नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा पता नहीं मैं हमारी नई पीढ़ी देंग चिओपिंग और माओसेतुंग को कितना जानती थी लेकिन अब मैं उसमें जिज्ञासा पैदा करना चाहता हूं कि आप अपनी अपने प्रयास से भी आप जानने की कोशिश करिए जितना आप जानेंगे उतना ही आप बहुत फील गुड आप आपका होगा मतलब आपको और उतना पढ़ने में मजा आएगा उत्साह होगा कि चला मैं देखूं पढूं समझूं इसके बाद क्या हुआ तो देंग चॉपिंग एक व्यक्तित्व है इनका भी मैं नाम लेता हूं तो ये इंग्लिश में लिख देता हूं चॉपिंग अब देखिए दिंग चिओपिंग हो या वर्तमान में आपको जी जिंगपिन हो सबको माओ मौ, माओसेतु के सामने सफर करना पड़ा था माओसेतु ने सब पर जायजती की थी या यही दिंग चिओपिंग है जो माओसेतु के साथ माओ उसको शॉर्ट फॉर्म है वो ग्रेट वो उसके साथ उस समय जो द ग्रेट मार्च जिसको बोलते हैं उसने जो सेंसी प्रांत तक जो मार्च किया था उस मार्च को कहते हैं द ग्रेट मार्च जो मैंने आपको बताया क्यासी प्रांत से सेन्सी प्रांत उसमें यह भी था उसमें चाओ एन लाई भी था तो चाओ एन लाई तो उसका प्राइम मिनिस्टर भी रहा था फिर देंग चिओपिंग था लेकिन देंग चिओपिंग को बड़ी उसने सताया था खैर उसके डेथ के बाद दो वर्षों तक पहले पार्टी के अंदर फाइट चलता रहा उसके बाद 1978 में देंग चियाओपिंग एक नया चाइनीज अब तीन पोस्ट है जो कोई ऑक्यूपाई करता है एक है कि आप चीन के जनरल सेक्रेटरी होंगे ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी होगा और दूसरा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एक प्रेस्टिजियस केवल है और तीसरा है हेड हेड ऑफ ऑफ आर, आर्मी कमीशन जैसे आर्मी ये बहुत पावरफुल जगह हो गई ये दो में पावर है President नाम मात्र का है लेकिन ये दोनों में बहुत पावर है तो देंग चिंग पहले इन दोनों को इनको और प्रेसिडेंट के पद को उसने सुशोभित किया और देंग चिओपिंग ने एक नई नीति चलाई 1979 में जिसे कहते हो चीन में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आप लोग पढ़ते होगे तो आप प्राय पढ़ने के क्रम में पढ़ते हो कि भारत से भारत भारत ने अपना लिबरलाइजेशन 1991 में शुरू किया लेकिन चीन ने उसको 1979 में ही आरंभ कर दिया था इट वाज अ ग्रेटर सक्सेस ऑन द पार्ट ऑफ चाइना अब डिंग चिओपिंग ने जो एक पॉलिसी चलाई इस पॉलिसी का नाम जानते हो मार्केट सोशलिज्म मार्केट सोशलिज्म नाम दिया गया और इसको कहते हैं चाइनीज कंसेंसस चाइनीज कंसेंस कंसेंसस तो चाइनीज कंसेंसस इसका नाम क्यों है तो जैसी आप एक नाम सुना होगा उसको हिंदी में बोलते हैं चीनी सहमति चीनी सहमति क्या है किसी लेक्चर में मैंने आपको स्पष्ट किया होगा हमने आपको किसी लेक्चर में स्पष्ट किया होगा एक लेक्चर में वाशिंगटन वाशिंगटन सहमति वॉशिंगटन सहमति ये 1989 में हुई थी ओके 1989 में और अभी हुई है क्या मैंने आपको एक पीछे वाले लेक्चर में बताया ब्रुसेल्स सहमति जो अमेरिका ने लाया जी सेवन में ब्रुसेल्स सहमति ये तो आपका 2021 में हुआ है उसी प्रकार से उसे कहते हैं चीनी सहमति यानी मैं आप हमें खून दो तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे जो नारा था मतलब डेंग चिंग ने अपना स्पष्ट कर दिया कि देखो राजनीतिक नियंत्रण जो हमारा है वो तो हम ढीला नहीं करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे पास समय तो नहीं है कि मैं आपको पूरे कम्युनिस्ट मॉडल समझा सकूं क्योंकि मुझे तो चीन के इतिहास पर कर्सरी लुक देना है वो भी इंडेप लुक नहीं कर्सरी लुक जैसे जो सोशलिस्ट मॉडल होता है या कॉम्युनिस्ट मॉडल होता है उसमें लोगों को व्यक्तिगत फ्रीडम नहीं होता है उसमें एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है ऊपर में एक देखोगे एक पोलिट ब्यूरो होता है एक उसकी अपनी पार्टी पार्टी मशीनरी जो होती है वो राज्य से भी ऊपर होती है पूरे राज्य को कंट्रोल करती है तो उसका उसकी खासियत होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत मुनाफा के लिए या फिर बाजार की शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं रहती मार्केट फोर्सेस को इकोनॉमिक प्लानिंग उसका बेसिस था जिस समय आप इकोनॉमिक प्लानिंग करोगे उस समय आप मार्केट फोर्सेस को तो प्रमोट नहीं कर सकते मार्केट फोर्सेस का मतलब वो डिमांड और सप्लाई के रूप से चलता है अब इसमें चीन ने जो किया एक्चुअली डेंग चोपिंग ने महसूस किया कि चीन बहुत गरीब हो गया था नाइनटीन तक और सबसे दुखद बात हुई कि उसके जो पड़ोसी थे पश्चिमी शक्तियों को तो छोड़ दीजिए उसे चीन काफी पीछे पड़ चुका था उसके पश्चिमी पड़ोसी में जापान दक्षिण कोरिया और उसका एक छोटा सा जो कंट्री था जिसको वो अपना ही कंट्री मानता था ताइवान वो सब भी काफ़ी वेल ऑफ हो गए थे तो इसने उन्हीं का मॉडल को बहुत हद तक फॉलो करने की कोशिश की हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि तो आप फिर बहक जाओगे नहीं तो मैं आपको पूर्वी एशिया के देशों का आर्थिक मॉडल बताता कि उनका जो इकोनॉमिक मॉडल है कभी इंडिया से कम्पेरिजन में मैं आपको बता दूंगा वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है उनका जो उनका मॉडल चलता है इंडिविजुअल पीजेंट्स जैसे बड़े बड़े जो लैंडेड स्टेट होते थे तो लैंडेड स्टेट को उन्होंने उन्होंने भी लैंड रिफॉर्म्स किए लेकिन वो इंडिविजुअल पीजेंट्स में छोटे छोटे किसानों में बांट दिया छोटे छोटे काश्तकारों में उसका उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन नहीं किया तो खेती को जब प्रोत्साहन मिला तो उससे जो सरप्लस एग्रीकल्चर से आया उससे उन्होंने मशीन खरीदे और मशीन खरीद के उन्होंने क्या बनाए तो वो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर पर बल दिया यानी छोटे छोटे हेवी इंडस्ट्रीज पर नहीं भारी इंडस्ट्रीज पर नहीं पब्लिक गुड्स इंडस्ट्रीज पर नहीं वो छोटे छोटे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बनाए और उसमें पहले जो लेबर इंटेंसिव है जो उनके अनस्किल्ड लेबर है उसको लगाया और छोटे पैमाने पर निर्यात करना शुरू किया उन्होंने छोटी छोटी वस्तुओं का कर निर्यात करना शुरू किया फिर धीरे धीरे उसमें क्या हुआ कि एजुकेशन उनका फैला टेक्निकल एजुकेशन बढ़ा तो धीरे धीरे फिर वो धीरे धीरे हाई कॉस्ट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने लगे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में आगे आने लगे बाकी सेक्टर में आगे आने लगे तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो आगे बढ़ गए थे तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर और थर्ड उनका था फाइनेंशियल कंट्रोल ये तीन फैक्टर को उन्होंने अपनाया था और सक्सेसफुल हुए थे तो दिंग चौकिंग ने उनके इकोनॉमिक मॉडल को हालांकि चीन का मॉडल थोड़ा अलग हो जाता है वहां पर स्टेट कंट्रोल भी है फिर एफ चीन का विशेष बल होता है उसने आपने एक सुना होगा एक आपने नाम सुना होगा कि ई जेड करके एक खास एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए जो इंडिया ने भी उसको इम्यूलेट किया था मॉडल को चाइना में ही डेवलप किया था और चीन ने बाहर के देशों से एफडीआई बहुत ज़्यादा अपने में लिया ये एशियाई कंट्री बाहर के एफडीआई डी में विश्वास नहीं करते थे ये खुद अपना इन्होंने डेवलप किया था तो खैर थोड़ा बहुत तो अंतर है लेकिन देंग चिओपिंग ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और सबसे पहले जो उनका जो सामूहिक खेती थी उसको समाप्त करके किसानों को इंडिविजुअल लैंड वापस मैंने दे दिया बांट दिया किसानों में और खेती को आगे बढ़ावा दिया किसानों पर पहले कंट्रोल क्या था कि वो अनाजों की खेती करे इसकी खेती नहीं कर सकते उसकी खेती नहीं कर सकते फ्री कर दिया किसान पहले शहर में नहीं जा सकते थे अब उनको फ्री कर दिया मैंने वो शहर में ही पलायन कर सकते थे इसके बाद किसानों को एक और भी छूट दे दी कि उनको जो भी फसल करनी है जैसे बार्गेनिंग करनी है वो वो कर सकते हैं और खेती को आगे बढ़ा सकते हैं तो उसे क्या हुआ कि रूरल इनकम काफी बढ़ा और पहले जो उनका जो रूरल इनकम था वो बहुत कम आता था तो उसका फ़ायदा उनका एग्रीकल्चर इन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी मिला तो उन्होंने अब इंडस्ट्रीज में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ को इनवाइट किया अब उनको फ़ायदा क्या है हमारे यहाँ जो मुश्किल है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ को हम इन, इन्वाइट करते हैं तो उनको अगर लैंड देना होता है तो लैंड कैसे यहाँ तो पीजेंट्स मूवमेंट शुरू हो जाता है और फिर पॉलिटिकल पार्टी लग जाती है और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में तो कोर्ट उसको स्टे कर देती है वहां पर वो सब सिस्टम नहीं है किसानों से वो जब चाहते हैं लैंड छीन कर और मल्टीनेशनल कंपनीज को दे देते हैं किसान का प्रोटेस्ट को बलपूर्वक दबाए रखते हैं वहां पर प्रोटेस्ट को चीन में उन्होंने बिल्कुल ही दबाए रखा डेंग जब इकोनमी खोला तो उसी समय 1989-90 में आप देखोगे तो वर्ल्ड में सोवियत रूस में और पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में परिवर्तन चल रहा था वहां पर बिल्कुल ही मांग चल रही थी विचारों की आज़ादी की मांग चल रही थी रिप्रजेंटेटिव गवर्नमेंट की प्रतिनिधियात्मक सरकार की मांग चल रही थी डेमोक्रेसी की मांग चल रही थी तो इसी खुशफहमी में हमें याद है 1989 में हम लोगों के लिए करंट अफेयर था उसमें हम लोग स्टूडेंट थे तो उसमें चार मई को ही मई चतुर्थ के दिन ही वहाँ स्टूडेंट्स लोग गैदर हो गए टियना टियाना मन स्क्वायर के ऊपर और वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया जैसे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के जो समाजवादी देश के लोगों ने किया था यही डॉपिंग वहां टैंक तक भेज दिए सैकड़ों छात्र मारे गए और ऐसा इस पाती दमन किया और खुले रूप में चीनी लोगों को उसने संदेश दिया कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे हम आपको आर्थिक समृद्धि देंगे लेकिन राजनीतिक आजादी का ख्वाब आप छोड़ दीजिए चाइनीज मॉडल इज द बेस्ट मॉडल ओके अब उसके बाद अब देखिए इनका फोर्थ स्टेज शुरू हुआ 1978 से 2020 में इसीलिए हमने इसको सेकेंड रेवोल्यूशन का नाम दिया जो देंग यह फोर्थ स्टेज को आगे ले जाएंगे देंग चोपिंग तो और इसको इसी देंग चोपिंग के उसी को कहते हैं चाइनीज

और फिर इनके उत्तराधिकारी हुए हु जिनताओ टू थाउजेंड टू से टू थाउजेंड ट्वेल्व इस प्रकार से यह अब आप आ गए फोर्थ स्टेज में और यही फोर्थ स्टेज में 1978 सेवेंटी एट से टू थाउजेंड ट्वेंटी तक और अब फिफ्थ स्टेज को ओपन किया है इसको थर्ड रेवोल्यूशन नाम दिया जाता है मैंने एक पुस्तक भी पढ़ी है थर्ड रिवॉल्यूशन और ये कौन महाशय है तो ये है शी जिनपिंग जो तो अठारहवीं कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई तो शी जिनपिन अब प्रेसिडेंट भी है आर्मी के सेंट्रल कमीशन के चेयरमैन भी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन्होंने किया और मोर प्राइवेटाइजेशन ये अपनी इकोनॉमी को और भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गए और ये शी जिनपिंग जो अभी आपको खुशियां मना रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी का ये कहा का जाता है कि अगर माओसेतु के बाद पर्सनालिटी कल्ट पर किसी ने बल दिया है तो इन्हीं ने बल दिया है और इसने एक बार फिर वही माओसेतु के पावर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे एक चीन में पर्सनालिटी कल्ट को बढ़ावा दे रहे अब इन्होंने जो सौ वर्ष पूरा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी का उसमें टू थाउजेंड वो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में चूंकि नाइनटीन ट्वेंटी वन में वो स्थापित हुआ था इसमें इन्होंने एक म्यूजियम बनाया है वो म्यूजियम आप देखेंगे अभी तो पब्लिक के लिए खुला नहीं है तो उसमें इन्होंने माओसेतु की सबसे अधिक तस्वीरें लगाई है और उसे एक दो तस्वीर कम ही अपनी तस्वीर लगाई है लेकिन उसमें देंग चिओपिंग के संभवतः चार ही तस्वीर लगाई है और जियांग ज़ेमिन का भी एक दो तस्वीर लगाई है हु जिनताओ के भी एक दो तस्वीर लगाई है मतलब इन्होंने अपनी पर्सनालिटी कल्ट पर विशेष बल दिया है और पावर को भी सेंट्रलाइज कर रहे हैं जब देंग चोपिंग ने इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया था तो उसने नारा दिया था पीसफुल राइज ऑफ चाइना उनका उसका नारा था पीसफुल राइज ऑफ चाइना इसको कहना था कि चाइना को भी दुनिया से नहीं लड़ना घिरना है प्यार से हालांकि वो भी उतना प्यार नहीं जाता सके इंडिया में तो बॉर्डर क्लैश उनके टाइम में भी होने की नौबत आ ही गई थी जब राजीव गांधी थे और राजीव गांधी जब यात्रा की थी तो पहले तो बड़ा ही हाथ पकड़ कर जो एक चीनी हेड ऑफ़ गवर्नमेंट का राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो वहाँ यात्रा की तो उनका 1988 में यात्रा की थी तो उनका हाथ पकड़ कर उन्होंने कहा था कि अब नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के लोगों को बताएंगे कि नीति कैसे निर्धारित की जाती है और दुनिया कैसे जी जाती है मैंने सॉरी नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के लोगों की भूलों को सुधारेंगे तो बड़ी उम्मीद हुई थी कि दिंग चौपिंग सम्भव तक कुछ सॉफ्ट करेंगे पॉलिसी को लेकिन वो भी वैसा कुछ कर नहीं पाए और इनकी पॉलिसी का तो खास नाम दिया जाता है और वह नाम जो आप उस पॉलिसी का नाम है जो इन्होंने शुरू किया है सी जिनपिंग ने वल्फ वल्फ वॉर डिप्लोमेसी वर्ल्ड वॉर डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी अब ये जब का का मतलब ये है कि अब चाइना का मसल पावर दिखा रहे हैं ये ये कह रहे हैं कि भाई चाइना का प्रॉपर राइज हो चुका मतलब इन्होंने जो अपना स्पीच दिया है कभी तुम गौर से सुनना जो फर्स्ट जुलाई को आप तो खैर चाइनीज में उन्होंने दिया है लेकिन जगह जगह आपको उसका इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा मैंने देखा था श्याम शरण ने भी उसको जो फॉरेन मिनिस्टर वो सॉरी जो एक फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने भी इसको और फॉरेन एक्सपर्ट भी हैं उन्होंने इस पर भी बात की थी कि उन्होंने कहा कि जो चीन की तरफ आंखें दिखाएगा उसे हम जमीन दोज कर देंगे मतलब उनको हम स्टील की दीवारों में चुनवा देंगे मतलब क्या क्या बातें कर रहे थे अगर आप उस स्पीच को मतलब वो जो इनका जो वर्जन है मुझे अब याद नहीं है सॉरी इसलिए शब्दावली का कुछ हेरफेर हो सकता है कुछ इनकी चेतावनी थी दुनिया वालों के लिए कि चीन की की तरफ तरफ अगर कोई उसकी संप्रभुता आंख उठाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अब देखिए इसमें क्या मेंटलिटी है वो वर्ड डिप्लोमेसी का मतलब वही होता है कि अब वो वौल्फ, वौल्फ तो आप जानते ही हो कि उनका जो एक एग्रेसिव पॉलिसी है तो एग्रेसिव पॉलिसी पर बल दे रहे हैं पावर को सेंट्रलाइज कर रहे हैं और इन्होंने जो अभी बी जो शुरू किया है 2017 थाउजेंड सेवेंटीन ऑनवर्ड्स जो एक्टिव हुए हैं तो उनका बिल्ट और रोड इनिशिएटिव में लगभग हंड्रेड कंट्रीज़ पर उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की हमें जी सेवन वाले लेक्चर में बताया कि इट वाज नॉट सिंपली अ जियो इकोनॉमिक इशू इट वाज अ जियो पोलिटिकल इशू एज वेल ये जियो इकोनॉमिक के साथ एक जियो पोलिटिकल इशू भी है क्योंकि इसके माध्यम से वो अपने अपने पावर को एसर्ट करना चाह रहा है और उस कंट्रीज को वर्चुअली वह अपने अपने नियंत्रण में लेना चाह रहा है ना वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वहाँ की सारी पॉलिसीज पर धीरे धीरे चीन का प्रभाव हो जाता है अभी आपने देखा होगा अंग्रेज में पाकिस्तान में एक ब्लैकआउट हो गया था लाइट पूरा क्योंकि वहाँ पर चीन का उसका इलेक्ट्रिसिटी पर कितना नियंत्रण है तो आप धीरे धीरे अपने मसल पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अभी आप देखिए स्पेस में चाइना यू यूएसए से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है अब इनका पूरा प्रयास है कि चलो एक जुलाई दो एक तो बीत गया अब हम लोग प्रतीक्षा करें अक्टूबर यानी फर्स्ट अक्टूबर नाइन टू थाउजेंड फर्टी नाइन की क्योंकि जो फर्स्ट अक्टूबर टू है उसमें चीनी गणतंत्र की शताब्दी होगी इसमें इनका मानना है कि हम चीन को दुनिया का सबसे पावरफुल अमेरिका से भी आगे इस्टेब्लिश कर लेंगे लेकिन माय स्टूडेंट्स हमारा 1947 तो उससे पहले आ जाएगा लेकिन हम दूसरी आज़ादी को ही ज़्यादा महत्व तो देकर अगर 26 जनवरी 26 जनवरी 19 सॉरी 26 जनवरी 2050 थाउजेंड फिफ्टी का याद करें जो इनके थोड़ा बाद होगा उसमें हम कहाँ रहेंगे हम लोगों को भी एक निश्चय लेना है इंडिया को भी निर्णय लेना है कि चाइना अगर 1 अक्टूबर 1949 मना रहा होगा तो इंडिया भी 26 जनवरी 1950 को अपने अपने एक नई एनर्जी और नए पावर को असर्ट कर रहा होगा हमें भी आगे बढ़कर छूना है पकड़ना है कैसे संभव होगा लेकिन हाँ हमारा स्पीच जो इनका 2021 का हुआ कि हम दुनिया में कोई अगर चाइना की तरफ देखे तो हम उसे ईट का जवाब पत्थर से देंगे हमारा स्पीच ऐसा नहीं होगा हमारा स्पीच यह होगा कि हमने भारत ने दुनिया में शांति फैलाई है भारत ने दुनिया में जितने भी देश हैं उनसे सौहार्दपूर्ण और एक हेल्दी और एक इंक्लूसिव वर्ल्ड की बात की है और इंडिया इसी इंक्लूसिव वर्ल्ड के प्रिंसिपल को लेकर चलेगा तो हमारा इनका रास्ता अलग अलग होगा और एक बात और भी है ऑथोरिटेरियनिज्म इंस्पायर्ड बाय कन्फ्यूशियसिज्म कन्फ्यूशियस ने जो सत्ता परंपरा पर बल दिया था ये इनको बड़ा सूट कर रहा और इसीलिए आप देखेंगे कि सी जिनपिंग के समय भी कन्फ्यूशियस के आदर्श को पुनर्जीवित किया जा रहा है अब यही हमें कहना था अब यहीं पर मैं लेक्चर को समाप्त करता हूं। बाकी करंट आपकी आंखों के सामने है दुनिया को देखते चलिए बदलावों को समझने का प्रयास करिए आप तथ्यों को पकड़ने के बजाय परिवर्तन पर ध्यान दीजिए और खुद अपने आप को एक्टिवेट करिए कि चीज़ों को अपने ढंग से आप इंटरप्रेट कर सके यही हमारे इस लेक्चर की सबसे बड़ी सफलता होगी फिर मिलते हैं आपको दूसरे लेक्चर में आज इतना ही थैंक यू वेरी मच